उस केस में हम इसके ऊपर कॉपी करें और फिर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हम हमारे पास यहां आता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक करेंगे तो इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, इसके ऊपर पेस्ट कर, नॉर्मल को भी पेस्ट करते तो ये पूरी की पूरी चेंज कर देता, लेकिन उसने उसी को पेस्ट किया जिसमें वैल्यू थी, ब्लैंक को स्किप कर दिया। अभी कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होगा कि अभी अभी हमने डेट का फॉर्मेट चेंज किया है तो कैसे चेंज हुआ, इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश यूज किया था। आप लोगों को ये भी जिज्ञासा होगी कि बाकी चीजों का शॉर्टकट कैसे पता चले और शॉर्टकट जरूरी क्यों है। देखिए शॉर्टकट के जरिए अगर आप काम करते हैं, मतलब कि माउस पॉइंटर के बजाय आप कीबोर्ड से काम करते हैं, तो आपका स्पीड 20-30% बढ़ जाता है, ऐसा रिसर्च में पाया गया। तो शॉर्टकट की पता कैसे चलेगा, तो आप इसके ऊपर अपना कर्सर रखें तो यहां पे इसका शॉर्टकट की हो जाए। देखिए मुझे इसकी एक लिस्ट चाहिए ताकि मैं इसको याद कर सकूं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें या फिर यहां सर्च पे जाके क्लिक करें, तो यहां आपके सामने एक्सेल हेल्प आ जाएगा। कीबोर्ड का F1 या सर्च में जाके भी आप यहां भी सर्च कर सकते हैं, सिंपल सा शॉर्टकट, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं और यहां आपका दिखेगा कीबोर्ड एंड शॉर्टकट इन एक्सेल। तो शॉर्टकट का लिस्ट आपका आपके आपके एक्सेल में ही है, आप एक्सेल का F1 प्रेस करें और सर्च करके यहां से निकाल, सारे शॉर्टकट की आपको यहाँ पर है जो भी डिफाइन है। लेकिन कुछ शॉर्टकट की डिफाइन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं Alt+HBA कर देता हूं। तो Alt+HBA क्या है, कैसे पता चलेगा, तो आप जो है डायरेक्ट जो है बिना माउस पॉइंटर के मेनू बार में भी जा सकते हैं। कैसे, अपने कीबोर्ड का Alt की प्रेस करें तो आपके मेनू बार एक्टिवेट हो जाए। अब मुझे होम में जाना है तो मैं कीबोर्ड का H पेस्ट करूंगा क्योंकि इससे करेक्टर पे H दिया हुआ, होम मेनू बार के नीचे H करेक्टर दिया हुआ। फिर होम मेनू बार के जितने भी ऑप्शंस हैं सब आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें आपके सामने यहाँ B4 बॉर्डर है, A4 ऑल बॉर्डर है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद होंगे, ऐसे शॉर्टकट भी देख सकते हैं। तो आप एक्सेल हेल्प में जाके शॉर्टकट के लिस्ट निकाल लीजिए और अगर जिसका शॉर्टकट नहीं है उसको ऑल्ट की के साथ उसके अंदर आप जा सकते हैं। चलिए हम टॉपिक से वापस आते हैं, अब हम बात करते हैं डेटा फॉर्मेटिंग की। कोई अगर पर्टिकुलर डेटा है हमारे पास, जैसे ये डेटा था, इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे करें, इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करने के लिए यहां हमारे पास तीन चीजें है, फॉन्ट, अलाइनमेंट एंड नंबर। तो यहाँ पे जो दी गई है वो मोस्ट यूजर चीज दी गई है, इसके लिए आप अंदर जाते हैं तो आपको पूरा डिटेल में दिखेगा। ये आपके फॉन्ट्स हैं, ये आपका रेगुलर जो आपका फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, यहाँ पे फॉन्ट की साइज है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते या नहीं कर सकते, ये फॉन्ट की कलर है, और यहाँ आपका स्टिक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इस चीज पेपर चल रहा है, जैसे मुझे 10 डिग्री लिखना है ऐसे लिखें, तो मैं यहाँ पे 10 और स्मॉल में O लिख देता हूँ और फिर इस O को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करूंगा फॉर्मेट सेल में और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट हो, तो ये जो नीचे है ये ऊपर छोटा होके ऊपर चल जाएगा डिग्री की तरह। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी आपको एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो यहाँ दिया गया कलर है। इसके अलावा यहाँ पे मोर कलर है जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड कलर है, इसके अलावा यहाँ आपका RGB मेथड वो आप ले सकते हैं, RGB कोड डालिए या फिर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए आपका RGB कोड दिख जाएगा। इसके अलावा भी आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में आपको यहाँ फिल में, इसके अलावा फिल इफेक्ट्स मिलेंगे, इस तरह की इफेक्ट दो कलर का कंबाइन करके इस तरह से दो इस तरह से इफेक्ट बना सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके सामने
इसके सामने यहाँ पे आपको ये दिखेगा, इसकी पैटर्न दिखेगा, पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी ले सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी है फॉर्मेटिंग में, जैसे हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। जी हाँ, अलाइनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपके सामने दो तरह के अलाइनमेंट है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, टॉप मिडल एंड बॉटम, आपका लेफ्ट राइट एंड मिडल, जो भी आप टाइप करेंगे उसको उस हिसाब से अपने, जैसे मैंने मान लीजिए सुजा टाइप किया और टीम में किसी का नाम पूजा है तो मुझे माफ कीजिएगा, आपका नाम मैं यूज कर रहा हूं। यहां पे इस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपका लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, ये आपका इंडेन होता है अपने हिसाब से थोड़ा, क्योंकि एक बार आप सेंटर करेंगे तो पूरा बीच में आ जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का आगे पीछे करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रैप टेक्स होता है, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा या एक नई सीट में लिखता हूँ, यहाँ मान लीजिए मैं अपना नाम ही लिखता हूँ सुजीत कुमार, तो क्या हुआ कि अब मैं आगे वाली एम और आर आपको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगले बी वन में वैल्यू नहीं है, जैसे मैं बी वन में वैल्यू डालूंगा ये हाइड हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, खाए तो मैं डबल क्लिक करके अपनी कॉलम को ऑटोफिट करूँ, कॉलम के जो डिवाइडर है उस पर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोफिट हो जाएगा, या ऑटोफिट नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहां पे रैप टेक्स है तो इस पर क्लिक करूंगा तो टूल के नीचे आ जाएगा। और रैप टेक्स की बात रही तो मैं अपने हिसाब से तोड़ना चाहता हूं तो मैं यहां पे इस तरह से करूंगा तो मैं अपने हिसाब से तोड़ पाऊंगा, ऑल्ट एंटर, जी हाँ इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर, तो अपने हिसाब से कर्सर नीचे आ जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे जरूरत होती है कि मेरा कॉलम का साइज या रो का साइज ना बढ़े, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाए, तो इस केस में मैं यहाँ अलाइनमेंट पे, यहाँ अलाइनमेंट के बॉटम पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ श्रिंक टू फिट कर दिया, श्रिंक टू फिट कर दिया तो ये बड़ा हो गया, जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो श्रिंक टू फिट का यूज हमें मैंने किया। मर्ज, आप एक सेल को मर्ज करके बड़ा कर सकते हैं या मर्ज अक्रॉस करेंगे तो इस तरह से वन बाय वन मर्ज बड़ा होगा। हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा तो मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आगे बढ़ता हूँ नंबर फॉर्मेटिंग। तो नंबर फॉर्मेटिंग में जनरली जो फॉर्मेटिंग है वो आपको पता होगा कि भाई यहाँ जनरल होता है, नंबर्स होते हैं ताकि इसमें थाउजेंड सेपरेटर वगैरह डाल से जा सके, करेंसी है आपका, अकाउंटिंग का एक यूज मैं करता था ऑफिशियल लाइफ में, वो चलिए आपको बताता हूं। उसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए तो वापस मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करके कुछ डेटा यहां पे दे देता हूं। यहां पे हमारे पास फिगर है, उस फिगर में कहीं कहीं पे जीरो है, तो जीरो को थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो जाता था, तो हम क्या करते थे इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कलर करने के बजाय हम इसको यहां अलाइनमेंट पे, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर फॉर्मेट में नन कर देते थे सैंपल को, एडिशनल प्लेसेस भी चाहिए तो रखिए वरना हटा दीजिए यहाँ से, देन ओके। इस तरह की डैश इनकम दिखता है आपको, तो याद रखिएगा इसकी जस्ट विजिबिलिटी डैश हुई है, एक्चुअल में ये जीरो ही है। एक सिंपल सी मेथड यहाँ समझ लीजिए कि आप किसी भी फॉर्मेटिंग, चाहे कंडीशनल हो या कस्टम हो या नॉर्मल फॉर्मेटिंग, किसी भी फिगर का विजुअल चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा टाइप किया गया है वही रहेगा, जो फॉर्मूला बार में दिखेगा। इसमें एक चीज और है, टाइम की, डेट की फॉर्मेट है जो कि आप यूज करते ही थे, डेट की फॉर्मेट में आप अलग अलग कंट्री के हिसाब से फॉर्मेट है देख सकते हैं। टाइम की फॉर्मेट में एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, मान लीजिए किसी का टाइम आपने यहाँ पे निकाला, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 45 आवर्स, 30 मिनट्स और 25 सेकंड दिखा, ये आपको दिख रहा है, हमें किसी के ओवर टाइम को हमने निकालना हुआ है। अब इस पे अगर मैंने जनरल फॉर्मेट कर दिया, गलती से हो गया या पेज रेटेड वैल्यू ही कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी कि जब इस पे टाइम का फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे तो 24 घंटा से ऊपर नहीं जाएगा। वैसे मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट किया, फिर भी आप यहां देखिए 21-30 लिखा है, तो जब आपके पास 24 घंटे से ऊपर का टाइम वैल्यू होगा तो यहाँ नीचे सबसे जो है आपका 37, 30, 55 के फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए,
तब होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। उसके बाद हम यहां इसमें जो मेन है हमारा वो है कस्टम वॉमिटिंग, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी तो नॉर्मल वॉमिटिंग है, आपको जनरली लोगों को पता होता है, इसलिए मैं आपका टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये चेक नंबर है, तो जनरली चेक नंबर में जीरो होता है, तो जीरो आप यहां लेंगे तो जीरो यहां से रिमूव हो जाएगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सिंगल कोट लेते हैं और फिर जीरो लिखते हैं। या फिर आप अगर 12 डिजिट के 15 डिजिट से ज्यादा नंबर डालते हैं तो वो नंबर इस तरह से दिख जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल कि 15 डिजिट के बाद आपका जितने भी नंबर्स थे वो जीरो में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एक्सेल 15 डिजिट से नंबर को स्टोर नहीं करता है, क्योंकि हम क्या हमारी सिस्टम जो है कैलकुलेशन इससे ज्यादा की कैपेसिटी के बाहर है, इसलिए वो जीरो कर देता है। लेकिन मुझे लिखना है जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं, ऐसे ही नंबर्स वगैरह होते हैं 18-19 डिजिट के, वो कैसे लिखें, तो सिंगल कोट लगाइए और इस पे लिखना शुरू कर दीजिए, तो एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट मतलब कि नॉन कैलकुलेटिव डेटा, जिस पे किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो यहां भी हमने यही किया कि हमने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया और जीरो जीरो कर दिया, ये हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि पूरे कॉलम में मुझे लिखना है तो हर बार सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, जी नहीं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल पे आएंगे, और फॉर्मेट सेल पे आने के बाद हम यहाँ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब मुझे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे और आपके सामने आता है। या फिर कोई फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट वापस आपको नंबर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत तब होगी जब किसी ने आपको चेक नंबर भेजा और उसने जीरो नहीं लगाया। अब आपको बैंक भेजना है इसकी प्रिंट आउट निकाल के, बट इसमें जीरो होना चाहिए वरना बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप इस केस में सेलेक्ट कीजिए और कस्टम पे जाइए और यहां आप 6 डिजिट है तो 6 जीरो डाल दीजिए, तो जितने भी डिजिट कम होंगे वो आगे लगा देंगे। इसी तरह से मैं मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर में मुझे +91 नहीं लग रहा, +1 लगाता हूं तो इस तरह से पूछता है, क्योंकि प्लस फॉर्मेट स्टार्ट होता है। तो नंबर में आप पहले सिलेक्ट कर लें जहां पे टाइप कर चुके हैं या जहां टाइप करने वाले हैं, कस्टम में जाए और यहाँ +91 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 जीरो डाल दीजिए आपके सामने। अब यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड नंबर डालता हूं, तो क्रेडिट कार्ड नंबर मेरा इस तरह से होना चाहिए कि 8 डिजिट ही लिखते हैं लेकिन वो 16 डिजिट शो करता है इस तरह से। तो मैं 8 डिजिट लिखूं और एक से अपने आप लग जाए, तो इसको आप सिलेक्ट करता हूं मैं, यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 टाइम जीरो डालूंगा और यहाँ पे एक्स 4 8 x डालूंगा स्पेस के साथ और फिर वापस यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम जीरो डाल दिया वापस। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, 8 डिजिट ही डाला, एंटर मारते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपके सामने इस तरह की कस्टम फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं। इस तरह की कस्टम फॉर्मेटिंग में आगे क्या होगा ये चीज को देखिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है 1500 लेकिन मुझे शो करना है MRP 1500, कैसे करें? तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि मैनुअली अगर आप लिख देंगे तो दिक्कत क्या होगा, इसके ऊपर अगर 20 ऐड करते हैं या कुछ ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह का एरर देगा, क्योंकि हमने पहले बताया कि किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट ऐड है तो उस पर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं। तो मुझे 100 इसी तरह करना है बट एक्चुअल में रखना है नंबर, क्योंकि फॉर्मेटिंग से करेंगे तो हमारे ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होंगे,
ये भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में एम आर पी डाल दिया, उसके बाद हैश या जीरो डाल दिया। अब दिख रहा है एम आर पी 1500 और इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो फिर एम आर पी 1560 आया, तो मैंने 16 ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया। तो दिक्कत क्या हो गया इसमें कि आपका वैल्यू जैसा वैसा ही दिखेगा, बट एक्चुअल में रहेगा 15, लेकिन जैसा चाहते हैं उस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने बोला हैश और जीरो, मतलब हैश और जीरो में डिफरेंस क्या है, अब इसको समझ लीजिए, ये जरूरी है। अगर आप इसके ऊपर अगर किसी तरह का टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आप एमआरपी या कोई भी चीजें प्रीफिक्स लगा सकते हैं आगे और पीछे लगाने के लिए। तो इसके आगे आप अगर इसके आगे जीरो हैश नहीं लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे नंबर दिखेगा एमआरपी, लेकिन मुझे इसके ऊपर जीरो दे दिया, जैसे डबल जीरो दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कब पड़ेगा जब मैं सिंगल डिजिट लिखूंगा तो 05 कर देगा, बट अगर मैं डबल टाइम हैश लगा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। तो यही फर्क है जीरो और हैश में, और इसका यूज भी करते हैं। तो एक लाइव एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे पास एक नेम है, मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स डाल देता हूँ और यहाँ पे डेट्स डाल देता हूँ। और रैम बिटवीन की मदद से मैं यहाँ पे जीरो से लेके, अब मेरे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है, जी हाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि यहाँ पे नंबर्स हैं उस दिन प्रेजेंट है, मतलब कि आप लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोगों का थंब इंप्रेशन लगता होगा डूड को ओपन करने के लिए, कुछ लोगों के एक एक्सेस कार्ड होगा जिसको पंच करने से आपका डूर ओपन हो जाता होगा जो ऑफिस का डूर है। तो एडमिन ने आपको लिस्ट दिया है कि किस दिन अपने कार्ड को कितना टाइम पंच किया गया। बहुत सारे लोग अंदर बाहर बाहर आते जाते रहते हैं तो ज्यादा टाइम पंच किया, कुछ लोग दो तीन बार भी किए, जैसे ये है एक बार आया और एक बार गया। तो यहाँ पे लिस्ट है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि इसको जो जीरो है इसको मैं एब्सेंट करना चाहता हूँ और जो नंबर है उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ऐसे होगा, जरूर होगा। अभी थोड़ा देर मैं बताया पहले कि अगर मैं इसके ऊपर हैश या जीरो ना डालूं तो सिर्फ हमारा नंबर दिखता है, हमारा वैल्यू दिखेगा, हमारा नंबर नहीं दिखेगा। सॉरी मैं गलत हो गया। तो यहां भी उसी मेथड का इस्तेमाल होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और कस्टम में जाऊंगा और मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखूंगा और फिर यहां पे सेमी कोलन दूंगा। क्या होता है कि इसके चार स्टेप होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो, चौथा होता है टेक्स्ट। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव और जीरो चाहिए तो मैं नेगेटिव के स्थान को ब्लैंक छोड़ देता हूं और यहां पे मैं जीरो के लिए ए कर देता हूं एंड ओके कीजिए। आपके सामने जो जीरो थे वो अब्सेंट हो गए और ये प्रेजेंट हो गया। मैं दोबारा बताता हूं मैंने क्या कोड इसमें लिखा है, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर हमने कोड लिखा है, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, एक सेमी कॉलन, फिर दोबारा सेमी कॉलन, फिर वापस यहाँ पे ए लिख दिया होगा। तो पहला सेमी कॉलन से यहाँ सेग्रीगेट होता है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा जीरो होता है और आगे कुछ और देना चाहे तो चौथा टेक्स्ट होता है। तो अगर पॉजिटिव नंबर हुआ उस पे पी आएगा, नेगेटिव नंबर में जो यहाँ आप देंगे वो आएगा, नहीं देंगे तो कुछ नहीं आएगा, और जीरो पे जो यहाँ देंगे सो आएगा और टेक्स्ट पे जो यहाँ देंगे सो आएगा। तो फिलहाल मैंने इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे एक दिक्कत और है कि इसकी प्रिंट हम कैसे करें, अगर मान लीजिए इसको पेज एक पेज पे प्रिंट करना हो तो कैसे करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी पेज की सेटअप को भी समझ लीजिए। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल से हैश कर दिया ताकि पूरा ईयर वाइज डेट आए, फिर इस पर डबल क्लिक किया ताकि ऑटो फिट हो जाए, इसे ऑटो फिट कर दिया।
अब इसमें क्या है कि मुझे इसको प्रिंट करना है, वो भी एक पेज। अब मैं यहां फाइल में प्रिंट पे आता हूं और देखता हूं, ये आपका लैंडस्केप है, सॉरी पोर्ट्रेट है, तो मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूं यहां से। ओरिएंटेशन इसकी थोड़ी सी यहां से मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन जो है इसके जगह पे मैं नैरो कर देता हूं ताकि साइड से मार्जिन कम हो जाए। हो गया, फिर भी हमारा बस 14 तक का ही आया, इससे आगे नहीं आया। तो क्या करें इसके लिए, तो वापस डेटा पे आते हैं। अब मेरे डेटा पे जैसे मैंने देखा, मेरे डेटा पे देखा जो हमारे पी है, मतलब सॉरी जो हमारा डेटा है वो छोटा है बट हेडिंग बड़ा है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ अलाइनमेंट में या फिर यहाँ जो रोटेशन होता है, इस रोटेशन में मैं इसको इस तरह से रोटेट कर देता हूँ और फिर सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। अब मेरा एक पेज पे प्रिंट भी होगा और मेरे हेडिंग भी दिखेंगे। तो आप लोग भी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद आती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा। यहां मैं डेटा को लेता हूं, डेट भी कर देता हूं। यहां पे मेरे पास एक डेटा आपको दिख रहा है, मुझे इस डेटा को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के लिए तो मैंने भी बहुत सारी चीजें बताई जिसका इस्तेमाल किए, लेकिन उस फॉर्मेट में कंडीशन नहीं है। जैसे मैंने इस पे अगर कलर कर दिया तो सिस्टम को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 79 है, 80 है, कोई नंबर है, क्या लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। तो हमारे साथ कई सारे कैटेगरीज हैं। सबसे पहला हम हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, ग्रेटर देन, मैं चाहता हूं कि जो हमारा क्वांटिटी 50 से ऊपर है वो हाईलाइट हो जाए ताकि मैं इजिली देख पाऊं, मुझे आंखों में दिमाग पे जोर देने की जरूरत ना पड़े, कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं हाईलाइट गेट सेल्स रूल्स में जाऊंगा, ग्रेटर देन पे जाऊंगा और यहाँ बाय डिफॉल्ट 50 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि 50 आए, ये इसका एवरेज लेके चलता है, एवरेज राउंड करता है, एवरेज 50 है, इसलिए एवरेज को राउंड करके चला है। आप यहाँ पे जैसे मैं 60 दे देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपके सामने कलर है, फॉर्मेट है, मतलब मैं येलो किया तो यहाँ येलो हो जाएगा, ग्रीन किया तो ग्रीन हो जाएगा, राइट रेड फिल किया तो आपको हो जाएगा। लेकिन मुझे इन फॉर्मेट में कोई फॉर्मेट पसंद नहीं है, तो मैं यहां कस्टम फॉर्मेट पे जाऊंगा। जी हाँ, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं यहां पे अपना जो भी फॉर्मेट चाहिए, चाहे नंबर हो, फॉन्ट हो, बॉर्डर हो, कलर हो, उसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने यहां कलर को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके, एंड वापस ओके कर दिया। आपके सामने हमारा जो ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो, 60 कलर हो गया। और जब भी मैं चेंज करूंगा, जैसे मैं 40 है, यहाँ पे मैंने 65 कर दिया, एंटर मारते कलर इस पे अप्लाई हो। अब यहाँ 79 है तो मैं यहाँ पे इसको 47 कर देता हूँ, तो मारते कलर हट जाता है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग सिर्फ कलर अप्लाई होता है और ये चेक करते रहता है कि कंडीशन फुलफिल है तभी कलर देना, जैसे कंडीशन चेंज हुआ ये अपना फॉर्मेटिंग वापस रिमूव कर देता है। तो आइए इसमें देखते हैं और क्या क्या फॉर्मेट है। ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर डेट को से बड़ा हो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि 5 अप्रैल के बाद की डेट हाईलाइट हो जाए, या 14 अप्रैल मान लेते हैं क्योंकि सबको इंतजार है 14 अप्रैल का,
तो यहां हम ग्रेटर देन लेते हैं और यहां पे 14 अप्रैल डालते हैं। अब यहां ईयर डालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डेटा सेम ईयर का डेटा है। अगर प्रीवियस ईयर होता 2017-18-19 होता तो आपको यहां पे डेट डालते, ईयर डालने पड़ते, कंप्लीट डेट डालने पड़ते। तो फॉर्मेटिंग तो आप यहां से चूज कर ही सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग चूज कर सकते। उसी तरीके से अगर मैं किसी नंबर से छोटा करना चाहूं तो छोटा कर सकता हूं, किसी डेट से छोटा करना चाहूं तो छोटा कर सकता हूं। उसके अलावा यहां बिटवीन दो नंबर्स के बीच की वैल्यू को हाईलाइट या दो डेट के बीच की वैल्यू, जैसे मैं 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के डेट को हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे 1 अप्रैल इस तरह से लिखूंगा और यहां पे मैं 14 अप्रैल लिखूंगा, दोनों के डेट हाईलाइट हो गए। उसके अलावा आता है इक्वल, तो यहां आप ऊपर तीन चीज लेके ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इसमें सिर्फ नंबर, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। किसी टेक्स्ट को नहीं कि भाई गुजरात से बड़ा कौन है या देव से बड़ा कौन है, ऐसा नहीं लिख सकते, टेक्स्ट एप्लीकेबल नहीं होता। बट इक्वल टू में आप कोई एग्जैक्ट डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं, किसी एग्जैक्ट नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं यहां से, या किसी एग्जैक्ट टेक्स्ट को जैसे कि नेम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, वही आपका हाईलाइट होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए पूजा की बात करें, यहां पे हमारे सामने पूजा सिंह है, पूजा सिंह है, तो अगर मैंने इक्वल टू में गया और यहां भी सिर्फ पूजा को हाईलाइट किया, मैं सिर्फ पूजा को हाईलाइट किया तो पूजा सिंह हाईलाइट नहीं होंगे। जी हाँ, यहां पर आपने देखा पूजा सिंह हाईलाइट नहीं हुआ। इसका रीजन क्या था? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करता है, मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से हाईलाइट करे, मतलब कि मिलता जुलता भी हाईलाइट करे, तो उसके लिए यहां टेक्स दैट कंटेन का ऑप्शन होता है, टेक्स दैट कंटेन। तो टेक्स दैट कंटेन क्या करता है? टेक्स दैट कंटेन करता है कि मिलता जुलता वर्ड को भी हाईलाइट कर लेता है। जैसे मैंने यहां पे पूजा दिया तो पूजा को भी हाईलाइट कर लिया, पूजा सिंह को भी हाईलाइट कर लिया। अब यहां पे एक डेट ऑकरिंग है, मतलब कि मुझे डेट अगर मान लीजिए आपने हाईलाइट कर लिया, इसमें एक पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करता है, इसे ग्रेटर देन में ले या लेस देन में ले या फिर आप इक्वल में ले, बिटवीन में ले, तो एक फिक्स डेट होता है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम डेट, जैसा कि आज की डेट हाईलाइट हो या पिछले वीक का, पिछले मंथ का, पिछले क्वार्टर का, तो उसके लिए हम डेट ऑफरिंग पे जाते हैं। डेट ऑफरिंग पे यहां हम सिलेक्ट करते हैं टुडे, तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी। मैं सिलेक्ट करूंगा टुमारो, तो कल की डेट, मैं किया इन द लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और सिस्टम डेट के साथ कनेक्टेड होगा। जैसे टुडे कर दी तो आज 8 अप्रैल है, तो आज 8 अप्रैल की डेट हाईलाइट कर रहा, और जैसे ही एक कल की डेट में मैं फाइल ओपन करूंगा किसी पर्टिकुलर रेंज में कोई नंबर मोर देन 1 टाइम है, यहां आप डुप्लीकेट वैल्यू में जाएं और हाईलाइट कर दें, तो जैसे नंबर डबल होगा या टेक्स्ट डबल होगा और दोनों को हाईलाइट, या तीन होगा तो तीनों को हाईलाइट कर, तो किसी कॉलम में मोर देन 1 टाइम वैल्यू लिखा है, इसको देखने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डुप्लीकेट वैल्यू। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेन, डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू को देख लिया। अब बात करते हैं टॉप बटन रूल्स की, मतलब कि मुझे अपने टॉप 10 एमआरपी चाहिए, तो मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे टॉप 10 को सेलेक्ट करूंगा
अगर टॉप 10 के जगह अगर टॉप 100 चाहिए तो 100 भी सिलेक्ट हो जाएगा, जो हाईएस्ट होगा वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं कुछ नंबर यहाँ पर सीक्वेंस लिखता हूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टॉप 10 में टॉप 3 को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ आपके सामने मैं 3 करूंगा, देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो 3 है उसको हाईलाइट करूंगा। यदि मैं यहाँ पे बॉटम करूंगा तो बॉटम को हाईलाइट कर देगा। और इसी तरह से एवरेज, मान लीजिए हमारा एवरेज एमआरपी 50 है, तो एवरेज से ऊपर हो तो मैं मैन्युअली ग्रेटर देन 50 नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है बाद में मैं नंबर चेंज हो तो एवरेज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ टॉप बॉटम में आपके सामने अबव एवरेज है, जो एवरेज से बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा, और दूसरा यहाँ आपके सामने बिलो एवरेज है, जो एवरेज से बिलो होगा उसको। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज का यूज आप कर सकते। उसके बाद डेटा बार आती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे डेटा में कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इसकी कंपेयरिंग कैसे किया जाए, क्योंकि इसके चार्ट नहीं लग सकता, तो डेटा बार आपको एक बार बना के यहाँ दे देगा, तो जितना बड़ा होगा उसका बार उतना ही बड़ा होगा। मतलब कि अगर मैं इसको छोटे डेटा में दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ रहा है उस तरह से हमारा बार भी बढ़ रहा है। उस तरह से हमारे पास कलर स्केल होता है, तो कलर स्केल भी कलर की तरह ही होता है कि जैसे बड़ा होगा कलर आपका, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया तो रेड टू ग्रीन होता जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा रेड टू ग्रीन होता जाएगा, हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है। उसके बाद इसमें आता है आइकन, तो अगर आपको एकदम स्पष्ट दिखाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आइकन नाम दिखा सकते हैं, या फिर एक काम और हो सकता है, यहाँ पे क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है, अब आप क्वार्टर वन में सेल जाता है क्वार्टर टू में सेल जाता है, इसकी कंपेयरिंग के लिए यहाँ इसका डिफरेंस देने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर जाए और आइकन अप्लाई कर ऑटोमेटिक आपका ऊपर नीचे आ जाएगा इस तरह का एरो और चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 52 को और यहाँ पे मैं 75 करता हूँ तो ऑटोमेटिक स्वैप होगा, इसका यूज आप कर सकते हैं। एक तो रही कंडीशनल ऑटोमेटिक के जो ऊपर जो मेस्ट मोस्ट यूजेड चीजें उनकी बात, बट इसमें आप फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं पूरी सीट की कंडीशनल ऑटोमेटिक रिमूव करना चाहता हूँ तो कंडीशनल ऑटोमेटिक में आऊंगा, यहाँ क्लियर रूल्स दिखेंगे, इस क्लियर रूल्स में क्लियर रूल्स फॉर्म सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्टेड का होगा, अगर मैं एंटायर शीट सिलेक्ट कर लूं तो पूरी की पूरी शीट क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या है क्वांटिटी है और एमआरपी है, इसकी अमाउंट नहीं है, मतलब की क्वांटिटी में 16 प्रोडक्ट 43 के हिसाब से बिका है तो रिजल्ट हमारा 688 आया, इस तरह से कैलकुलेशन इसमें नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि जो नंबर 2000 से ऊपर है उसकी पूरी डेटा हाईलाइट करना चाहता हूं, जी हाँ पूरी डेटा को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहां पे मुझे फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स पे आऊंगा, यूज फॉर्मूला, यहां पे अब सिंगल सिलेक्शन याद रखिएगा, जब बाकी जो फीचर्स आप अप्लाई किए थे उसके लिए आप पूरी कॉलम को सिलेक्ट किए थे या डेटा को सिलेक्ट किए थे, बट फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंगल सेल सिलेक्ट करेंगे, तो न्यू रूल्स पे आते हैं यूज फॉर्मूला और यहां पे हम देते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, या हम ब्रैकेट में ले लीजिए यहां ग्रेटर देन 2000, तो 2000 से बड़े हैं तो इस पे फॉर्मेटिंग यहां फॉर्मेट सप्लाई होगा,
फॉर्मेटिंग को चूज कर लीजिए। अब मुझे यहाँ पे टू के आई का जो डॉलर साइन है इसको यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि डॉलर फ्रीज कर देता है, जब नीचे ड्रैग करूंगा तो 2, 3, 4, 5 ऐसे चेंज नहीं होगा। एंड लेकिन कॉलम का आगे छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे इसको भी करना है, कॉलम फिक्स करना है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर दिख रहा है, इससे हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको हमने पूरे डेटा पे फॉर्मेट कर दिया। तो जहां जहां मोर देन 2000 है उसका पूरा कलर हाईलाइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं 1 लिखा और वापस में यहाँ 1 लिखा, तो डुप्लीकेट वैल्यू हमने यहाँ पे दिखाया था डुप्लीकेट दोनों हाईलाइट कर देता है। मुझे सिर्फ एक हाईलाइट करना है, ऊपर वाले नहीं सिर्फ नीचे वाले को हाईलाइट करना है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हमें एक पहले फॉर्मूला समझना होगा। हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला होता है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक एरिया में जैसे कॉलम में एक काउंट भी बताता है कि किसने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ डेटा है। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे दोनों पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें, मतलब कि मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊं, काउंट इफ लगाऊं और इसको सिलेक्ट करूं और हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर, फिर नीचे ड्रैग करने से पहले पहले वाले ए टू को फ्रीज कर देंगे और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 1 आया और नीचे हमारा 2 आया। इसी कंडीशन को हम यहां इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए या फिर डायरेक्ट वहां लगा सकते हैं। हम यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में दिखाते हैं, बोलते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 और फिर इसको हमने यहां से फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर, तब एक ही हाईलाइट हुआ। अगर तीसरा करूंगा तो पहला हमेशा मेरा हाईलाइट नहीं हो, उसके बाद फिर आप सब लोग ठीक है गाइस सब लोग म्यूट कर लो ताकि फिर अच्छे से आवाज आए। तो यहाँ पे हमने 1 और 1 यहाँ दे दिया, दोनों 1 हाईलाइट हुआ। तीसरा नंबर तीसरा होगा तो ऐसे दो जो नंबर फर्स्ट टाइम होगा वो हाईलाइट नहीं होगा, जबकि जैसे रिपीट होगा वो जो रिपीटेड है वो हाईलाइट होगा, बाकी डेटा मेरा हाईलाइट नहीं होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप इसी तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोटेक्शन, कि एक शीट को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि हम चाहते हैं इसमें से कोई डेटा हाईलाइट ना कर सके। तो यहां हम राइट क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट पे आने के बाद यहां हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं। पासवर्ड को कंफर्म करने से पहले आप देख लीजिए यहां पे एक इंफॉर्मेशन है, इफ यू लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर। तो एक्सेल के शीट में फाइल डालते हैं, फाइल में पासवर्ड या शीट में पासवर्ड डालते हैं तो आपकी पासवर्ड को रिकवर नहीं किया जाएगा या नहीं हो सकता, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। पासवर्ड डालते समय आप ऐसे ही पासवर्ड को डालें जो हमेशा आपको याद रहे। अब ऐसा नहीं कि पासवर्ड नहीं हट सकता है, पासवर्ड हट सकता है, लेकिन उसके लिए गूगल बहुत पे जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सारे माइक्रोज या एप्स मिलेंगे, लेकिन सब पासवर्ड हटा दे इसकी 100% गारंटी नहीं है। अगर पासवर्ड में आपने कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखा है जैसे कि अल्फाबेटिक न्यूमेरिक मिक्स स्पेशल करेक्टर अपर लोअर, तो उसको काफी दिक्कत होगी या नहीं भी हो सकता है क्रैक। तो ये पासवर्ड को डाला एंड ओके किया।
अब मैं अपने डेटा को कहीं भी किसी भी तरह का चेंजिंग करूंगा तो मुझसे पूछेगा, मुझे एरर अलर्ट देगा और अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड तो पूछेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम डेटा को कॉपी तो नहीं कर सकते, सॉरी एडिट तो नहीं कर सकते बट कॉपी कर सकते। मैं चाहता हूं मैं डेटा को कॉपी भी ना कर सके। अब डेटा को कॉपी डिसेबल करने का ऑप्शन एक्सेल में नहीं होता, लेकिन कॉपी करने की जरूरत क्या पड़ती है, सिलेक्शन की। तो जब आप पासवर्ड डालते हैं तो यहां एक चीज देखिए क्या है, लॉक्ड एंड अनलॉक्ड, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब ये सारी फीचर्स हैं जो कि पासवर्ड डालने के बाद यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद मैं किसी भी तरह की चीजें चेंजिंग तो नहीं कर सकता हूं, बट इसके ऊपर अपनी कलर अप्लाई कर सकता हूं। तो ये चीज यहां पे दी गई है। तो मैंने क्या किया कि पासवर्ड डालते समय प्रोटेक्ट शीट को लिया और यहां से हम सिलेक्ट का जो ऑप्शन है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड अनलॉक सेल। लॉक अनलॉक क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं, बट इस सिलेक्ट का जो ऑप्शन है ये हटा दिया। अब मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा तो चेंजिंग कॉपी कहां से। तो पासवर्ड डालते समय आप सिलेक्शन की परमिशंस को डिसेबल कर दीजिए तो कोई भी आपको डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। जो डेटा सिलेक्ट नहीं कर पाएगा तो कॉपी करने का तो सवाल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि इस एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना है, मतलब कि मैं इस पे चेंजिंग कर सकूं, तो उस केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि हर सेल का लॉक्ड अनलॉक्ड क्या होता है। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन टैब में लॉक्ड पे क्लिक होता है। तो जिस भी सेल के लॉक्ड पे क्लिक होता है वो आपका लॉक्ड सेल होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन को अप्लाई वो सपोर्ट कर रहा है। अनचेक कर दीजिए तो प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि इस एरिया का फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन के लॉक्ड को अनचेक कर दिया, दैट ओके किया। अब मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। तो क्या होगा कि मैं यहां कुछ टाइप नहीं कर सकता बट यहां तो टाइप कर सकता। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं छोटा सा डेटा तैयार करता हूं, जैसे कि नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, जीएसटी, कमीशन, अभी क्या है कि मेरा अमाउंट जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, आपकी जो जीएसटी है वो अमाउंट का 2% है, हमारा जो कमीशन है वो कमीशन अमाउंट का नहीं, जीएसटी 2% नहीं, मैं 18% कर देता हूं, कमीशन 2% लगता हूं, कमीशन 2%। और फिर इसका हमने टोटल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम नीचे इसको नीचे तक कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, नीचे तक कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं टाइप करता हूं, हमें यहाँ पे पूजा लिखा और यहाँ पे क्वांटिटी दिया, एमआरपी दिया, तो क्या हुआ ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। जी हाँ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब क्या हुआ कि मुझे सिटी, या जब मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे और जोन दे दिया साउथ, तो क्या हुआ कि जब मैं टाइप करने के लिए मुझे इतने सारे चेंज करने पड़े, मतलब कि मैं यहां से फिर 4 सेल्स बाद आऊंगा फिर इसके में टाइप करूंगा, मुझे इस क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो मैं चाहता हूं मैं कर्सर डायरेक्ट यहां से यहां जंप हो जाए। तो मैं सीट को सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा,
इसको अनलॉक कर दूंगा, फिर जितना एरिया चाहिए उतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और वापस, नहीं गलत था, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और इसको अनलॉक किया, और फिर जो कैलकुलेटिव एरिया है उस पे आए फॉर्मेट सेल पे और वापस हमने इसको लॉक्ड कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है, बाकी एरिया प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। तो पासवर्ड डालते समय हमने क्या किया, यहां पे लॉक्ड अनलॉक्ड में लॉक्ड को अनचेक कर दिया। अभी क्या हुआ कि अनलॉक्ड सेल में जहां पे टाइप कर सकता हूं उसी को सिलेक्ट करूंगा। अब यहां पे देखिए एक ध्यान डालता हूं, मैं यहां पे नीरज लिखा किया और जैसे टाइम मारूंगा अभी मैं या एंटर प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर सीधे यहां सिटी पे जंप करेगा। तो मतलब कि अब मैं इसके बीच को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, तो फॉर्मूला भी नहीं देख पाऊंगा। हालांकि ऐसे फॉर्मूला को रिमूव करने का कुछ और ऑप्शन होता है, जैसे हमने इसके ऊपर कुछ लिखा, मुझे इसके ऊपर जो फॉर्मूला है उसको डिसेबल करना है, ये नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और इसकी लॉट के नीचे हिडन होता है, हिडन पे क्लिक कर देता हूं। फिर यहां पे प्रोटेक्ट शीट पे आता हूं और पासवर्ड अप्लाई कर देता हूं। देखिए इसके ऊपर जो है कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पे जाएंगे तो इसके ऊपर आपको दिखेगा। तो फॉर्मूला हिडन कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे अलग अलग फील्ड के अलग अलग एरिया के अलग अलग पासवर्ड चाहिए, मतलब मैं एक ही सीट में दो तरह का पासवर्ड रखना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल कि दो एरिया है, ए मेरा मिस्टर ए का एरिया है, ए मेरा मिस्टर बी का एरिया है। मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पे चीजों पे छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर छेड़छाड़ ना कर सके, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके हैं, राइट क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सिंपल हमें जाना पड़ेगा रिव्यू टैब में। जी हाँ, रिव्यू टैब में जाइए, डेटा के बाद रिव्यू होता है, उसमें यहां दिखेगा अलाउ एडिट रेंज, इस पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहां पे पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके कीजिए। फिर वापस दूसरे रेंज के न्यू पे क्लिक कीजिए और यहां रेंज को चेंज कर लीजिए और यहां पे दूसरा पासवर्ड डाल दीजिए, ओके कीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। अब जो है दोनों को अलग अलग पासवर्ड मिला हुआ, लेकिन ये वर्क कब करेगा? जब हम सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। जी हाँ, सीट को, तो यहाँ प्रोटेक्ट सीट पे जाते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ कि मैं कहीं और काम नहीं कर सकता, बट जैसे ही इस पे काम करने जाऊंगा मुझसे यहाँ से पासवर्ड पूछेगा, मैं पासवर्ड डाल दिया तो मैं इस एरिया में काम कर सकता हूं। कब तक? जब तक कि मैं फाइल को वापस रीओपन नहीं कर लेता, बट यहां चेंज करूंगा तो मुझे यहां का पासवर्ड मांगेगा। तो अलग अलग पासवर्ड डालने की फैसिलिटी है। अब मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालनी है कि फाइल को कोई ओपन करने से पहले पासवर्ड मांगे, तो ब्राउज सेव करते समय यहां टूल्स में जनरल ऑप्शन होता है, इसमें आप पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल सकते हैं। रीड ओनली कमेंट कर देंगे, जिसके पास मॉडिफाइड पासवर्ड नहीं होगा वो रीड ओनली में इस फाइल को ओपन कर सकता है। चलिए वापस चलते हैं, लेकिन फाइल को बिना सेव एज किए, क्योंकि मैं फाइल को सेव करूंगा तो मेरा फाइल का नाम और लोकेशन चेंज होगा, तो उससे रिलेटेड लिंक भी चेंज हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां इन्फो के अंदर आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक कीजिएगा तो ड्रॉपडाउन में आपको यहां दिखेगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड और इस पे आप अपना पासवर्ड अप्लाई कर दीजिए। ये आपकी ओपनिंग पासवर्ड होगी बिना फाइल को सेव एज किए।
लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको सीट डिलीट ना कर सके, तो यहां प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसको प्रोटेक्ट कर दीजिएगा तो आपका कोई भी सीट डिलीट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, कोई भी सीट डिलीट नहीं कर पाएगा। वापस अनप्रोटेक्ट कीजिए। हाँ, तो प्रोटेक्शन का टैब के बाद हम बात करते हैं डेटा फिल का। जी हाँ, डेटा फिल एक अच्छा ऑप्शन है। एक बार हम फ्लैश फिल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा नेम का। छोटा डेटा है मान लीजिए, और मुझे इसके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। इसके लिए सिंपल है कि मैं यहां पे एक नाम लिखूं, लिखने के बाद एंटर प्रेस करूं, और यहां फिल के अंदर में फ्लैश फिल होता है जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, इस पे क्लिक करें तो बाकी पूरे कॉलम का डेटा आ जाएगा अपने आप। जैसे लास्ट नेम लिखें, एंटर मार, और फिर यहां पे फ्लैश फिल करें, अपने आप पूरा डेटा आ जाएगा। ऐसे डेट है, मुझे इसमें से मंथ को अलग करना है, तो मैं यहां पे पहला मंथ डालूंगा, एंटर मारूंगा और यहां फ्लैश फिल से इसको स्ट्रैक करूं। तो आप यहां पे किसी भी तरह के डेट को स्ट्रैक कर सकते हैं, टाइम को स्ट्रैक कर सकते हैं, नंबर स्ट्रैक कर, बस उस लिखिए पार्ट को लिखिए और फ्लैश फिल कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली इसको अलग कर दे। अब बात करते हैं अगली टॉपिक सॉर्टिंग की। फ्लैश फिल के बाद हम बात करेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डेटा को आपको अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर रेंज पे, एक पर्टिकुलर सिक्वेंस पे सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर रिजल्ट देखने जाते हैं तो रोल नंबर अगर सीक्वेंस है तो आपको ढूंढने में सही होता है, लेकिन रोल नंबर अनसिक्वेंस है तो नाम के अल्फाबेट से आप इजीली उसको ढूंढ सकते हैं। दोबारा ओपन फाइल। अब मुझे इसको मान लीजिए, मैं अगर डेटा आपके सामने दिख रहा है कि काफी बड़ा है, छोटा कर देता हूं सर। मुझे इसमें शॉर्ट करना है, तो अगर डेटा शॉर्ट करनी है तो पहले चीज देख लीजिए कि कोई ब्लैंक रो तो नहीं है। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक होगी तो शॉर्ट करने में दिक्कत होगा, मतलब कि पहले डेटा को सिलेक्ट करके फिर शॉर्ट करना होगा। अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे शॉर्ट करना है मान लीजिए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो मैं सिंपल क्वांटिटी के ऊपर जाऊंगा और कर्सर को रखूंगा, और कर्सर को रखने के बाद मैं यहां शॉर्ट में ए टू जेड करूंगा तो मेरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होगा तो पूरा डेटा शॉर्ट होगा, देखिए 10 आएगा, सिर्फ 10 नहीं आएगा, पूरा का पूरा रो लेके आता है। लेकिन मुझे अब यहां पे मान लीजिए नेम बाय शॉर्ट करनी है, तो मैंने यहां पे नेम को लिया और शॉर्ट कर दीजिए, नेम बाय शॉर्ट हो गया। लेकिन मुझे शॉर्ट करना नेम और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से शॉर्ट करना है, दो बे के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, तो यहां मैं शॉर्ट में कस्टम शॉर्ट में आऊंगा और यहां नेम ले लिया ए टू जेड, फिर एड लेबल करूंगा, मैं यहां पे क्वांटिटी को ले लेता हूं और फिर इसको शॉर्ट कर देता हूं, तो यहां नेम और क्वांटिटी दोनों शॉर्ट हो गए। और ये लोग मोस्टली आप लोग शॉर्ट इस्तेमाल करते भी होंगे, बट इसमें कुछ ट्रिक्स हैं उसको जान लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पे मंथ दिया हुआ है, मुझे इसमें से शॉर्ट करना है मंथली, तो अगर मैंने जैन फेब के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा,
ये पहले अप्रैल आएगा फिर अगस्त आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिक को शॉर्ट करेगा, बट मुझे जो शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम कस्टम शॉर्ट में जाएंगे और जहां ए टू जेड ऑर्डर होता है उसके जगह पे मैं कस्टम लिस्ट पे आऊंगा, और कस्टम लिस्ट पे हमारे पास यहां जैन फैब का लिस्ट हमने सिलेक्ट किया एंड ओके किया एंड ओके कर दिया, अब जैन फैब का अकॉर्डिंग होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे अप्रैल टू मार्च चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट पे जाएं और यहां कस्टम लिस्ट पे आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं न्यू लिस्ट में, यहां से अप्रैल जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड मार्च, और इसको ऐड कर दीजिए एंड ओके एंड ओके। आपके सामने तो इसी तरह से आप अपने किसी नेम वगैरह का भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करें, जैसे कि मुझे हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड करना है, कैसे करें? तो इसके लिए भी हम शॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां पे सीरियल नंबर डालता हूं 1 2, एक सीक्वेंस नंबर हमने यहां पे एंटर कर दिया, फिर वापस मैं इसको कॉपी करता हूं और इसके नीचे जाके इस पर पेस्ट कर देता हूं। जी हम वापस कॉपी किए उसके नीचे पेस्ट कर दिए, अब हुआ क्या कि ये हमारा वन जो है ब्लैंक है और नीचे यहां पे वन है, तो ये ब्लैंक, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये हमारा डेटा है वन, नीचे वाला डेटा वन जो है हमारा ये ब्लैंक है। जब मैं सीरियल नंबर अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा उठ के इसके नीचे इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि जब भी सॉर्ट होती है सिंगल डेटा नहीं पूरा रो आता है, एक डेटा रहेगा और एक ब्लैंक रहेगा। इस तरह से इसको शॉर्ट करते समय और कस्टम शॉर्ट करते समय मैं यहां पे ए टू जेड लेता हूं, मंथ के जगह पे सीरियल नंबर एंड ओके कर देता हूं, तो एक डेटा एक रो ब्लैंक आ गया। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, अब सॉर्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे सारे ब्लैंक को डिलीट करना है, तो बहुत सारे उसको फिल्टर लगा के डिलीट करते हैं, फिल्टर लगा के डिलीट करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो फिल्टर लगा के डिलीट करने से बैकएंड का डेटा डिलीट होने के चांसेस होता है और साथ में दिक्कत होती है इसकी, क्या बोलते हैं, जब वो डिलीट होता है काफी टाइम लेता है अगर आपके पास लार्ज डेटा है। तो यहां पे हम शॉर्ट में आते हैं और किसी एक के अकॉर्डिंग, जैसे नेम है सिटी है, मैं सिटी के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कर देता हूं। इससे क्या होता है कि जितने भी ब्लैंक थे वो नीचे चले गए, जी हाँ जितने भी ब्लैंक थे वो नीचे चले गए। तो इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब सॉर्टिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है फिल्टर। फिल्टर मतलब कि मुझे इस डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को ही देखना है, बाकी को हाइड रखना है, तो फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर दिखेगा जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, जी हाँ कंट्रोल शिफ्ट एल होता है शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें से कोई पर्टिकुलर मंथ का करना है, तो मैं क्लिक करूंगा और सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगा, जो मंथ चाहिए एक या एक से ज्यादा उसके चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो मुझे अब वही डेटा शो दिखेगा, बाकी डेटा हमारा हाइड हो गया। और फिल्टर लगा है उसके दो निशानी है, एक तो है यहां पर जो दिख रहा है फिल्टर का निशान, दूसरा आपके रो नंबर का कलर ग्रे से ब्लू हो जाता है,
एक साथ भी हम कई कॉलम पे फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे नेम में नीरज का डेटा चाहिए और मंथ मान लीजिए मुझे मई का चाहिए, तो मैं यहाँ नीरज पे यहाँ पे जाऊंगा और नीरज को सिलेक्ट करूंगा और मंथ में मैं यहाँ मई का डेटा सिलेक्ट करूंगा। अच्छा इसमें मई नहीं है, मार्च मई यहाँ पे है ही नहीं, या अगस्त चाहिए तो अगस्त, या अगस्त और फैब चाहिए सिलेक्ट किया, इस तरह से भी शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो हमारा मैनुअल हुआ। अब बात करते हैं कस्टम फिल्टर की। जी हाँ, जैसे कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के और कुछ डुप्लीकेट को हाइड कर लिया, ये कर लिया, हाईलाइट कर लिया, या फिर मैनुअल कलर लगाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे कलर बाय इसमें फिल्टर बाय कलर चाहिए। जी हाँ, फिल्टर बाय कलर चाहिए। तो फिल्टर बाय कलर कैसे करेंगे हम? तो यहां हम आएंगे और फिल्टर बाय कलर पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कलर जो है वो फिल्टर हो जाएगा। इस तरह से फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। मैं यहां से क्लियर करता हूं। उसके बाद आप किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो यहां पे नंबर पे अब आपके सामने है इक्वल पे पर्टिकुलर नंबर, डज नॉट इक्वल उसके अलावा सारा, ग्रेटर देन जीरो से ग्रेटर देन 50 करना है तो हमारा 50 से ऊपर वाला जो है फिल्टर हो जाए। उसके अलावा मैं अगर यहाँ पे टॉप 10 करना चाहूं तो ये हमारा टॉप 10 जो है फिल्टर हो जाएगा। मुझे एवरेज से ऊपर चाहिए तो एवरेज से ऊपर, तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो चीजें देखी है उसके बिहाफ पे सारे आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ऐसी डेट है तो डेट में आपके सामने एक टेक्स्ट फिल्टर है इक्वल डज नॉट इक्वल बिगिन विद, मुझे पूरा नाम पता नहीं है, पूजा है, पूजा सिंह है, पता नहीं, या नीरज है, तो मैंने मान लीजिए कोई इनिशियल डाल दिया एंड ओके किया तो आपका हाईलाइट हो गया, फिल्टर हो गया। तो हमने बिगिन विद में किया, इसका नाम का स्टार्टिंग में एन डबल डी होगा, या फिर आप चाहते एंड विद, तो इसी में आपके सामने एंड विद होता है कि मुझे जो नाम ए से क्लोज होते हैं वो दिखा दो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कंटेन मान लीजिए कि किसी नाम पूजा हो या पूजा सिंह हो, हमारा जो है फिल्टर कर दे, पूजा पूजा सिंह दोनों को फिल्टर कर दिया। ये चीजें आप टेक्स्ट फिल्टर में कर सकते हैं। अब डेट की फिल्टर की बात करते हैं। जब डेट के फिल्टर करेंगे तो इस तरह से आपका ईयरली बॉक्स बन के आएगा, उसके बाद मंथली आएगा, मंथली के बाद आपका यहाँ पे डे के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे एक एक करके जो मंथ डे चाहिए आप चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए और फिल्टर कर लीजिए। अब इसकी कंडीशन की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा ही है, तो सबसे पहले सिस्टम डेट से कनेक्टेड है, जैसे इक्वल कोई पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट के बाद, जैसे मैं चाहता हूँ कि 14 अप्रैल के बाद वाला डेट आई सिलेक्ट हो जाए, तो हमने क्या किया बाद ही पहले बिफोर है, इज बिफोर ले हुआ है, पे इज बिफोर इज आफ्टर कर देता हूं 14 अप्रैल एंड ओके कर दिया, तो 14 अप्रैल से पहले की सारी डेट हाईलाइट से बात की। तो यहां पे आप जो करेंगे इक्वल बिफोर आफ्टर बिटवीन, ये आपको मैनुअल डेट डालना पड़ेगा, इसमें आपको मैनुअल डेट डालना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पे आप करेंगे टुमारो कल की डेट फिल्टर हो जाएगी आपकी, टुडे आज की डेट फिल्टर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट से ले लेगा ये, और ऐसे ही यहाँ पे स्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ये चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईयर टू डेट मतलब कि एक 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 जनवरी से लेके आज की डेट तक आपका हाईलाइट होता है, ये हो जाएगा फिल्टर हो जाएगा जो भी हो, तो ये डेट की फिल्टर इस्तेमाल करें। ये थी हमारी फिल्टर। अब अगला टॉपिक हमारा आता है पिवट टेबल, और मैं 1.5 घंटा कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे थोड़ा सा बोर फील होंगे, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं, और इस ब्रेक के दौरान मैं जो कोऑर्डिनेटर है उनसे बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपना ऑडियो सिलेक्ट नहीं किया है। जी हाँ, हम यहाँ नीचे देख रहे हैं 5-6 लोग ऐसे हैं, जैसे एक अंबिका कपूर है,
और कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने अपना ऑडियो सिलेक्ट नहीं किया, मैंने चैट पे मैसेज भी दिया है इनको कि अपना ऑडियो सिलेक्ट कर लीजिए, पर ऑडियो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं डिवाइस का, तो जो कोऑर्डिनेटर है उनको फोन करके बता दें कि अपनी ऑडियो जो है सिलेक्ट कर। और क्लास के दौरान आप लोग इंटरनेट का कोई और यूज कर रहे हो जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, तो सब बंद कर दें, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी होगी तो मेरी वॉइस, मेरा स्क्रीन आपको क्लियर दिखेगा। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही हो या फिर मेरी स्क्रीन रुक रुक के आ रही हो, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम है। अगर मेरी प्रॉब्लम होती तो बाकी सबको प्रॉब्लम होती, लेकिन कुछ लोगों का ठीक होगा, कुछ लोगों का खराब होगा, इस कारण कि उनकी इंटरनेट स्पीड पे प्रॉब्लम होगी। तो 10 मिनट का यहाँ ब्रेक करते हैं हम, 3:50 पे आते हैं वापस और हम पिवट टेबल की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी सर, माय ऑडियो इज इनेबल्ड, आई कैन हियर यू। एक नीचे एक और आ रहा है आपका, एक अंबिका कपूर नीचे भी आ रही है। एक्चुअली मैंने ना लैपटॉप से भी लॉग इन कर रखा है जिससे कि मुझे बड़ी स्क्रीन में दिख जाए। ठीक है, अच्छा कि आपने, ठीक है। तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप लोगों का अभी जी क्लासेस हुई है उसकी ये देख सकते हैं, मतलब कि रिव्यू करके अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि पिवट के बाद हम एक नए क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो पिवट टेबल का यूज होता है समराइज द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो पिवट टेबल टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा डिटेल में सीखिएगा। तो पिवट टेबल लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके डेटा में सारे हेडिंग्स है या नहीं, क्योंकि अगर हेडिंग्स नहीं है तो पिवट टेबल अप्लाई ही नहीं होगा, या अप्लाई अगर हो भी गया तो जो ब्लैंक है उसको फील्ड वन लेके चलेगा। दूसरा कि पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो पिवट टेबल के लिए लगाते समय डेटा को पिवट टेबल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को ब्लैंक रो है या नहीं है। अगर ब्लैंक रो है आपके पास तो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा को बिना सिलेक्ट ये नहीं हो सकता, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो करोगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रो ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं, एक कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग चलता है। और आपको जाना है इंसर्ट, इंसर्ट में पिवट टेबल से पहले यहां रिकमेंडेड पिवट टेबल जाने, ये क्या करता है कि आपको डेटा का रीड करता है और उसके बाद आपको सजेस्ट करता है कि इस पे कितने तरह के पिवट बन सकते हैं। तो अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग है तो आप इसको सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करें एंड जस्ट ओके कर दें, एक नई सीट ऐड होगी, ये आपका पिवट एरिया होगा, ये आपके लिस्ट ऑफ फील्ड होंगे जो आपके डेटा में थे। अब यहाँ पे जानना है कि आपको इस डेटा पे आपकी रिपोर्ट या समरी चाहिए तो क्या चाहिए। तो मुझे जस्ट पता करना है कि रीजन वाइज कितने नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं, जस्ट मुझे ये पता करना, और कितना मान लीजिए रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, एमआरपी इज द रेवेन्यू मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने रीजन को उठा के रो में रखूंगा। अब रो में क्यों रखा, ताकि यहाँ रो वाइज डेटा आ जाए। अब यहाँ पे देखिए डेटा हमेशा यूनिक है, मतलब यहाँ डेटा में रीजन कई बार रिपीटेड है, बट यहां पे एक ही बना है क्योंकि यहां समरी बन रहा है। उसके अलावा मैं सेल्स को रखता हूं वैल्यू में, मैंने इसको वैल्यू में क्या रखा क्योंकि मुझे इसके ऊपर कैलकुलेशन चाहिए, मतलब सम। उसके बाद यहां हमारा एमआरपी है, मैंने एमआरपी को भी यहां रख दिया, यहां भी सम आ गया। बट एमआरपी को सम करना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि एमआरपी को तो एवरेज करना सही होता है,
तो हम क्या करेंगे, इस पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं और यहां से एवरेज ले सकते हैं, या फिर साइड में यहां क्लिक कीजिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जा सकते हैं, एवरेज एवरेज आ गया। अब पिवट की फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। जैसे ये रो लेवल दिख रहा है आपको, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेल्स या एरिया या रीजन, कुछ भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं टोटल सेल्स, इसको चेंज कर सकता हूं। और उसके अलावा मैं इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको यहां से देशन प्लेसेस को कम या ज्यादा कर देता हूं। तो चेंज करने के लिए मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं। चेंज क्या नहीं होगा, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो फील्ड में वैल्यूज में होती है फील्ड, उसको चेंज नहीं कर सकते, वरना आप इसको भी चेंज कर सकते। अब ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ, तो और भी जैसे फॉर्मेट अप्लाई करना आपको, तो वहां पे एक दिक्कत होती है सर। दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने फॉर्मेट अप्लाई किया और रिफ्रेश किया, जैसे मान लीजिए मैंने कलर या बॉर्डर ले लिया और रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद आपकी वैल्यू जो है कम और ज्यादा होगी, तो आपका फॉर्मेट कम और ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट और पिवट से कोई लिंक नहीं। तो पिवट पे फॉर्मेट करने के लिए आप पिवट पे क्लिक कीजिए, यहां आपको डिजाइन का टैब ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इस पे जाइए और यहां से आप अपना डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिजाइन चाहिए। जो भी डिजाइन चाहिए वो सिलेक्ट कर। मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये पिवट का पार्ट हो गया। जैसे पिवट चेंज होगा, ये अपने आप को भी चेंज करेगा। अब मुझे यहां पे दो तरीके चाहिए। जैसे कि यहां पे मेरे पास टीम भी है, टीम मेंबर्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे किस रीजन के कौन से टीम मेंबर ने कितना सेल किया। तो अब यहां पे देखिए कि वैल्यू रखा हुआ, मैं वैल्यू को अगर नीचे उठा कर रखता हूं तो डेटा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू कब आएगा, जब दो पड़ेगा। मैं टोटल सेल्स का डाल देता हूं तो वैल्यू नहीं दिखेगा। मतलब कि अगर आपने एक फील्ड रखा है वैल्यू वाले फील्ड में, तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू का फील्ड आएगा कॉलम में, वरना नहीं आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने टीम मेंबर्स को उठाता हूँ और कॉलम में रख देता हूँ, तो कुछ इस तरह का डिटेल्स आपके सामने आएगा। लेकिन ध्यान रहे, टीम मेंबर जो है आप उतना ही रखें, छोटे अमाउंट को ही रखें। जैसे मान लीजिए टीम अगर रखते हैं, मैं टीम मेंबर की जगह मैं टीम कर देता हूँ, तो टीम का रिपोर्ट आपका सही आ रहा है, ये रिपोर्ट सही आ रहा है। तो आप जो है कॉलम में उसी फील्ड को रखे जिसकी आइटम या लेजेंड का है वो लिमिटेड है, कम ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी कि फिर वो डेडिकेट करने में, क्योंकि वर्टिकली डेडिकेट करने में दिक्कत होती है, हॉरिजॉन्टल आराम से किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर ज्यादा लिस्ट है तब क्या करें, तो ऐसे लिस्ट को हमेशा आप नीचे रीजन के, मैंने नीचे रख देता हूं, सब रो में रख देता हूं, इस तरह से आपके दिखेंगे। अब यहां पे मैं एक बार टीम को हटा देता हूं, इस तरह से दिखा। तो यहां पे देखिए प्लस माइनस का एक है, दिखा होगा आपको, कॉलेप्स एक्सप्लेन करते हैं। यहां एनालाइज पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका एक्सपेंड, ये आपका कोलैप्स, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसको अलग अलग फील्ड में चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी तो आपका ठीक दिख रहा है। जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा और कहीं दूसरे जगह पे पेस्ट एजे वैल्यू कर दूंगा, पेस्ट एज ए वैल्यू कर दूंगा, तो क्या होगा, पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा सिटी कौन सा है, रीजन कौन सा है और हमारे टीम के मेंबर कौन से। रीजन उधर प्रॉब्लम हो जाती है देखने में, ये अलग अलग कॉलम में होता कि एरिया होता और उसके बाद फिर हमारे टीम मेंबर होते हैं, फिर सेल्स होते, सही से दिखता। इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो
यहां पिवट टेबल के डिजाइन में रिपोर्ट लेआउट के अंदर सो टैबुलर फॉर्म कर दीजिए, सो टैबुलर फॉर्म यहां मिल जाएगा, या फिर राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और यहां डिस्प्ले में क्लासिक पिवट टेबल लेआउट आपको दिखेगा, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, और फिर इसको ओके कर दीजिए। ये आपका यहां पे अलग अलग फील्ड में आ गया। अभी देखिए हर के नीचे टोटल दिया हुआ है, ये टोटल नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए यहां पे, और यहां पे सब टोटल रीजन दिख रहा होगा, इसको अनचेक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, अनचेक हो जाएगा, हट गया। अब दिक्कत यह है कि अभी भी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं तो प्रॉब्लम होता है फिल्टर में, फिल्टर। अब प्रॉब्लम है कि अब इसका मुझे इस तरह से अगर ड्रैग होता, रिपीट होता तो हमें फिल्टर में आसानी होती देता। सो मैं पिवट में चाहता हूं कि मेरे जो नेम्स है वो फिल्टर होके नीचे की तरफ आ जाए। जी हाँ, मेरे जो नेम्स है वो फिल्टर होके नीचे की तरफ आ जाए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो उस केस में मैं यहां पे डिजाइन में जाऊंगा और यहीं पे आपको रिपोर्ट लेआउट में रिपीट और आइटम दिखेगा, और यहां पे डू नॉट रिपीट दिखेगा, रिपीट भी करवा सकते हैं और डू नॉट रिपीट भी करवा सकते हैं, और यहीं पे आप रिमूव, यहां पे इंसर्ट ब्लैंक लाइन, तो हर एक रीजन के बाद ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगा, रिमूव ब्लैंक लाइन तो ब्लैंक लाइन हट भी जाएगा, इसका यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप डू नॉट रिपीट करते हैं, मैं चाहता हूं मर्ज हो जाए, तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहीं पे आप इसको मर्ज कर सकते हैं, ये आपका मर्ज हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब मान लीजिए कि मैं यहां से टीम मेंबर को हटा देता हूं, रीजन पर रखता हूं। अभी मैं देखा कि कैलिफोर्निया का 4435 सेल है, तो कैसे पता चलेगा कि किस किस का है, तो डेटा में जाके मैं फिल्टर लगाऊं, उससे अच्छा है कि मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक कर दूं। डबल क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा कैलिफोर्निया का डेटा को कॉपी करके एक नई शीट पे पेस्ट कर देगा। जस्ट क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस पे आपको। अब यहां पे दिक्कत है कि बहुत सारे लोगों को डबल क्लिक करने की आदत होती है, तो हर बार डबल क्लिक करते ही नई शीट ऐड हो जाएगी, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाता हूं और यहां से मैं डेटा के अंदर एनेबल शो डिटेल्स को अनचेक कर देता हूं। फिर अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो डेटा मेरा चेंज नहीं है, जस्ट मैंने डबल क्लिक कर दिया। उसके बाद अब मान लीजिए कि अभी जैसे देखा आपने कि मैंने यहां पे टीम मेंबर को कॉलम में रखा था, टीम मेंबर्स को लाता हूं मैं, उसको मैंने कॉलम में रखा, तो इस और फिर मैं सेल्स को वैल्यू में रखता हूं, तो यहां पे कई सारे लोगों पे ब्लैंक है, मैं चाहता हूं ब्लैंक ना दिखे, इस पे जीरो दिखे या कोई करेक्टर दिखे, तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहां शो एम्प्टी सेल पे अपना एरर दे दीजिए जो देना है, या फिर मुझे यहां पे जीरो चाहिए तो मैं यहां पे जीरो दे देता हूं, तो जीरो शो। समराइजेशन के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा ग्रुपिंग का, पिवट में ग्रुप कैसे करें। तो मैं टीम मेंबर को हटा देता हूं, जैसे यहां पे देखिए कि दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों एक ही जैसा, एक ही है, अलग अलग थे यहां पे, तो मैंने कंट्रोल या शिफ्ट की मदद से इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और चले गए ग्रुप पे। अब यहां देखिए दोनों एक जगह ग्रुप होके ग्रुप वन आ गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप वन टोटल, ग्रुप वन टोटल कितना, रीजन वन रीजन टू हो गया, तो रीजन बताइए रीजन टू को रहने दीजिए,
और ग्रुप वन को आप यहाँ पे दिल्ली दे दीजिए या दिल्ली दे दीजिए, तो दोनों का मर्ज यहाँ पे हो जाता है। तो क्या इस तरह के मर्जिंग हम टेक्स्ट के अलावा नंबर पे भी कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। हम एक पिवट टेबल यहाँ इंसर्ट करते हैं। पिवट टेबल इंसर्ट करते समय मैंने मान लीजिए कि अपने सेल्स को यहाँ, और फिर हमने मान लीजिए कि रीजन को यहाँ काउंट कर देते हैं। हमें ये पता करना है कि बिटवीन 10 से 20 में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं, 20 से 30 में कितने आते हैं, इस तरह का स्लैब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां ग्रुप पे आ जाऊंगा। ग्रुप पे आने के बाद आप यहां मिनिमम और मैक्सिमम आ जाता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और ग्रुप 10 का चाहिए या 15 का चाहिए या 20 का चाहिए यहां पे आप लिख दीजिए। और यहां ओके कीजिए, ये आपका इस तरह से ग्रुप हो जाएगा। तो नंबर को इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एंड नंबर ग्रुपिंग के बाद बाकी अगला ऑप्शन आता है डेट की ग्रुपिंग। तो पिवट टेबल में हम आते हैं और यहां हम डेट की ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो इसके लिए हम यहां डेट को सिलेक्ट करते हैं, सेल्स रेट। तो सेल्स रेट डालते ही ऑटोमेटिकली यहां देखिए ग्रुप में जाना। लेकिन अगर ग्रुप नहीं हुआ या ग्रुप अपने हिसाब से करना है कि भाई मंथ क्वार्टर ईयर नहीं, मुझे सिर्फ क्वार्टर चाहिए, देखो इसको अनग्रुप करता हूं मैं। तो राइट क्लिक कीजिए ग्रुप, मुझे मान लीजिए मंथली चाहिए, तो आपका देखिए मंथली ग्रुप हो जाएगा। मुझे मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए तो मैं यहां पे ग्रुप में दोनों सेलेक्ट करूंगा तो दोनों हो जाएगा। या मुझे 15 दिन की ग्रुप चाहिए तो मैं ग्रुप करके मैं मंथ और क्वार्टर को हटा दूंगा और डेट सेलेक्ट करके यहाँ 15 रखूंगा, 15 दिन का ग्रुप आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते इसमें कैलकुलेशन की बात। कैलकुलेशन मतलब कि मेरे पास सेल्स है, एमआरपी है, पर रेवेन्यू नहीं है। टोटल रेवेन्यू बराबर है, ये टोटल आखिर सेल हुआ कितना, 22 प्रोडक्ट को 874 रुपए के हिसाब से बेचा गया, टोटल अमाउंट कितना। तो ऐसे फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम यहाँ। लेकिन फील्ड की कैलकुलेशन से पहले मैं आइटम कैलकुलेशन समझाना चाहूंगा। मैंने सेल्स ले लिया और मान लीजिए मैंने यहाँ रीजन ले लिया। अब मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन मतलब कि मुझे पता करना है कि भाई कैलिफोर्निया टोटल सेल्स का काउंट ऑफ सेल्स है, मैं इसको सम ऑफ सेल्स कर देता हूँ यहाँ से, कि टोटल सेल्स जो 2.45 उसका कितना परसेंट शेयर होल्डर है, कितना परसेंट शेयरिंग क्या है उसका। तो उस केस में यहाँ वैल्यू फील्ड्स में जाते हैं और सो वैल्यू में कैलकुलेशन के जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल दिख रहा होगा, सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं, ये आपका आ गया। इसी तरह से इसमें बहुत सारे और कैलकुलेशन है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ सबको बताना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे रनिंग टोटल कर लीजिए तो आपका क्लिप्टी टोटल हो जाता है, दिख जाता है यहाँ। तो इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे दो फील्ड के आपस में कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको पिवट टेबल के एनालाइज में जाना होगा। यहाँ फील्ड आइटम सेव, इसमें आइए कैलकुलेटेड फील्ड पे आते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड में मैं यहाँ के टोटल लगता हूँ और इस टोटल में मैं आता हूँ, तो मुझे सेल्स को इंसर्ट यहाँ पर, सेल्स को इंसर्ट किया मल्टीप्लाई, मुझे चाहिए एमआरपी उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट किया एंड अब यहां टोटल ऑलरेडी है, टोटल रेवेन्यू
आ जाएगा। टोटल वेन्यू का यहाँ पे देखिए आगे जीरो क्यों है देखिए, दोबारा मैं दिखाता हूँ। कैलकुलेटेड फील्ड, टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट किया, इसलिए मैं लिखना है टोटल यहाँ पे मैं एमआरपी इंसर्ट किया मल्टीप्लाई बाय सेल्स और इसको मॉडिफाई करता हूँ। कुछ डेटा में प्रॉब्लम है, मैं एक अलग डेटा पर आपको दिखाता हूँ, चलिए दो मिनट लीजिए अलग डेटा बना लेता हूँ। डेटा में ब्लैंक्स वगैरह होंगे इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो ब्लैंक टेक्स्ट टेक्स्ट होगा। ये तो है मेरे पास, इसी को देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके, और मैंने यहाँ पे नेम को लिया, फिल आइटम में कैलकुलेटेड फील्ड पे गए टोटल, इस टोटल में हमने क्वांटिटी को इंसर्ट किया मल्टीप्लाई एमआरपी को इंसर्ट किया एंड ऐड करता हूँ। टोटल आ गया यहाँ पे, मुझे इसका मान लीजिए टैक्स निकालना है तो वापस कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा जीएसटी और यहाँ टोटल को ऐड करता हूँ जो मैंने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय 18% हमने किया ऐड किया। तो यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगा सकते, फॉर्मूला मतलब मुझे यहाँ पे राउंड करना है तो मैं यहाँ राउंड का फिगर लगा सकता। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी एस टी, यहाँ मॉडिफाई आ गया और फिर से फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो मैं राउंड यहाँ पे राउंड राउंड का फॉर्मूला दे दिया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टोटल मल्टीप्लाई बाय 18% कॉमा और इसको मॉडिफाई कर देता हूं एंड देखिए डाउन हो गया। ऐसे एक सब फॉर्मूले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है एक्सटर्नल पिवट पे। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट मतलब कि मैं डेटा को बिना ओपन की क्या पिवट लगा सकता हूं। आपके ऑफिस में ऐसी फाइल होंगी कि जो काफी बड़े बड़े फाइल होंगे और उस बड़े बड़े फाइल में दिक्कत ये होता होगा जब उसको ओपन करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता होगा। मैं चाहता हूं कि फाइल को बिना ओपन किए ही मैं पिवट लगा लूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जरूर पॉसिबल है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, उसके लिए आपको यहां पे पिवट टेबल पे जाना है और यहाँ डेवलपर में देख माफ कीजिएगा इंसर्ट इंसर्ट में पिवट टेबल और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस और यहां से आप जो है अपने डेटा आप पहले से आपने एक्सटर्नल लगा रखा है यहाँ पे डेटा आएगा नहीं तो ब्राउज पे जाए और ब्राउज पे जाने के बाद अपने फाइल चाहे एक्सेल का फाइल हो या एक्सिस का फाइल हो उस फाइल को आप सिलेक्ट कर ले जिसपे आपको पिवट लगाना है। जैसे मैं गूगल ड्राइव की फाइल एक हमारी है पावर बी आई एम एंड इसको ओपन किया एंड ओपन किया यहाँ पे एक बार एक सीट से लगेगी तो सीट को सिलेक्ट करो एंड ओके एंड देन
अब यहां पे मैं आराम से पिवट लगा सकता हूं कहीं से। अब बात करते हैं स्लाइसर की। एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाने के बाद हम बात करेंगे स्लाइसर की। स्लाइसर का क्या इस्तेमाल? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नेम बाइट क्वांटिटी का टोटल निकाल दिया। अब मुझे यहाँ पे सिटी और स्टेट का चाहिए फिल्टर, तो फिल्टर आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये फिल्टर उतना अच्छा चीज होता है। तो आप कर सकते हैं कि फिल्टर इसके अलावा आप यहाँ पिवट टेबल ही आपको दिखेगा स्लाइसर। स्लाइसर को ले और यहाँ से आप सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए तो आपका पिवट जो है इसके अकॉर्डिंग आपका फिल्टर होगा। जैसे मान लीजिए मैं बिहार को सिलेक्ट करता हूँ तो बिहार से रिलेटेड जितने भी सिटी है यहाँ पे आपको दिख गया। मैं मान लीजिए कि इसमें मैं हाजीपुर को सिलेक्ट करता हूँ तो हाजीपुर का डेटा आपको दिख जाएगा। प्रोडक्ट के हिसाब से इसे चूज कर सकता हूँ, दिल्ली से यहाँ चूज कर सकता हूँ। तो ये सारे आपस में डिपेंडेंट होते हैं कि जैसे एक को सिलेक्ट किया है तो आप बाकी भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब एक साथ दो पिवट पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। दो पिवट मतलब एक ही डेटा पे दो तरह के पिवट लगाना चाहे आप। जैसे यहाँ पे सम ऑफ द क्वांटिटी है नेम वाइज, अब अगला मैं चाहता हूँ तो मेरा एमआरपी का एवरेज, सिटी वाइज एमआरपी का एवरेज, तो मैं दोबारा पिवट लगा सकता हूँ या इसी पिवट को कॉपी करके इसके बगल में पेस्ट कर दूंगा तो एज ए पिवट ही पेस्ट होगा। पूरी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपना क्वांटिटी को हटाता हूँ, एमआरपी को रखता हूँ, नेम को हटाता हूँ और मैं रखता हूँ अपने सिटी को। सिटी वाइज मेरे पास टोटल यहाँ आ गया। अब यहाँ डिजाइन में जाइए, एनालाइज में जाइए, फिल्टर कनेक्शन दिखेगा, इस पर आप जो स्लाइसर ऐड किए हैं उसको ऐड ओके कर दीजिए, फिर इसके ऊपर आप इसको आसानी से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्लाइसर सिर्फ आपको पिवट में ही नहीं आपके डेटा टेबल में भी यूज किया जाता है। जैसे कि डेटा को फिल्टर करना है आपको, उस पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा डेटा मैं दिखाता हूँ आपको तो पता चल जाएगा कि डेटा टेबल फिर स्लाइसर इस्तेमाल क्या होता है। तो मैं एक बार एन डेटा को लेता हूं। अब यहां पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और होम में या इंसर्ट में या टेबल दिखेगा, होम में आपके पास दिखता है फॉर्मेट एज ए टेबल, उसमें आप अपना जो भी डेटा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को चूज कर लीजिए, आपका टेबल उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब टेबल के ऊपर में टेबल फॉर्मेट है, आप यहाँ पे टोटल रो लास्ट में ऐड कर सकते हैं कि भाई आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मुझे मान लीजिए इसका सम चाहिए, मुझे इसका एवरेज चाहिए, ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसके भी आप स्लाइसर इंसर्ट कर दीजिए फिल्टर के लिए कि नेम, स्टेट, प्रोडक्ट ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे जस्ट वो क्लिक करेंगे और देख एक मिनट में इसको कट करता हूँ सिलेक्ट करके। अगर मान लीजिए दिल्ली को सिलेक्ट किया तो दिल्ली के हिसाब से मेरा नेम के हिसाब से फिल्टर डेटा फिल्टर होते चलता है। जो डेटा नहीं होगा वो इस तरह से ग्रेन हो जाएगा, अनहाइलाइटेड हो जाएगा, तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पिवट टेबल में हम बात करते हैं पावर पिवट टेबल। पावर पिवट टेबल को देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए एक छोटा सा डेटा मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरी ये सेल्स आईडी है, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है, ये हमारा सी आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये क्वांटिटी है। फटाफट मैं इसको बना देता हूं। डेटा हमारा यहाँ बन गया। डेटा क्या है मैं 2 मिनट पे समझाता हूं, देखिए। अब ये मेरा डेटा हो गया सेल्स का। सेल्स के बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोडक्ट, और यहां पे आ जाता है मेरा सीआई।
प्रोडक्ट में पीआईडी, नेम एंड अमाउंट। कस्टमर में भी मैं ऐसे ही पास दे देता हूँ, नेम प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पिवट टेबल निकालनी है, अब बट यहां पे मुझे चाहिए प्रोडक्ट के नेम, प्रोडक्ट के नेम बाय, प्रोडक्ट नेम बाय चाहिए या फिर मुझे क्लाइंट बाय चाहिए। कैसे करें इसको, मुझे फिर यहाँ VLOOKUP लगा के इनके डिटेल्स लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं, अगर एक दो टेबल एक आध टेबल पे करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉर्ट कीजिए पिवट टेबल और यहाँ एड डेटा टू डेटा मॉडल कर दीजिए। अगर पिवट टेबल पहली बार थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद वापस हम सेल्स पे आते हैं प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पिवट टेबल और फिर वापस ऐड टू डेटा मॉडल हमने, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ। तो किसी एक पिवट पे जाएं और ये देखिए रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट होगा पिवट टेबल एनालाइज में। मुझे बताना होगा कि सेल्स में और प्रोडक्ट में क्या कॉमन है। तो न्यू में गया मैं और मैंने बोला कि रेंज, यहाँ पे सेल्स हो जाएगा रेंज, रेंज का पीआईडी और प्रोडक्ट का रेंज वन तक की प्रोडक्ट का पीआईडी दोनों सेम है एंड ओके कर दिया एंड क्लोज। एंड यहाँ पिवट में यहाँ ऑल पिवट टेबल देखिए, तो मैंने यहाँ पे नेम उठा लिया और यहाँ रेंज से हमने क्वांटिटी उठा ली और आपने देखा इस तरह से आपके सामने जो नेम है यहाँ रिलेशन होकर प्रोडक्ट वाले शीट से आपको दिख। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे पिवट बनाने हो तो दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या करें आप पावर पिवट का इस्तेमाल करें। बट पावर पिवट आपको मुझे यहाँ दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा, और आपके पास विंडो 13 से ऊपर है तो आप फाइल में जाएं, एक्सेल ऑप्शन पे जाएं, एडिंग्स में जाएं, एडिट में क्लिक करने पर थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे एक्सेल के जगह पे कॉम एंड्स पे जाए, कॉम एडिंग्स गो पे जाए और यहां से देखिए पावर पिवट का जो एडिंग्स है इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए एंड ओके। उसके बाद यहाँ पावर पिवट में मैनेज दिखेगा, मैनेज पे क्लिक कीजिए। मैनेज में क्लिक करने के साथ आपको एक्सेल जैसा ही एक और ऐप खुल के अलग एक ऐप खुल जाए, इसको हम लोग पावर क्यूरी करते हैं, क्यूरी करते हैं। इसमें जो दो सीट आपने ऐड किया था वो आपको यहाँ पे ऐड दिखेंगे, रेंज वन और रेंज। इसका चेंज भी कर सकते हैं नाम, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया सेल्स, सेल्स और इसका नाम, इसका नाम रख दिया प्रोडक्ट। ये थोड़ा स्लो काम करता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा मुझे चाहिए कस्टमर, मैं कस्टमर में गया और कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पिवट टेबल, माफ कीजिए पिवट टेबल नहीं, यहाँ पावर पिवट और यहां पे ऐड डेटा
माई डेटा हेल्थ डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा एंड ओके कीजिएगा। यहाँ एक टेबल वन आ गया। अभी टेबल वन को चेंज नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ सीट जैसा दिखेगा इसको डबल क्लिक कीजिए और मैंने यहाँ पे कस्टमर कर दिया। अब मुझे यहाँ दिखेगा आपको डेटा व्यू डायग्राम व्यू, तो डायग्राम व्यू पे क्लिक कीजिए तो टेबल का फॉर्मेट दिख जाएगा जैसे कि एक्सेल सर्वर में या जैसे कि एक्सेस में दिखता है। उसके बाद मैंने क्या किया कि सीआईडी को उठाया और इसके सीआईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया, मतलब कि रिलेट कर दिया कि कस्टमर का सीआईडी और सेल्स का सीआईडी दोनों एक ही, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब मुझे इसमें कैलकुलेशन भी करनी है तो मैं डेटा व्यू में आता हूं, जैसे कि यहां सेल्स में आता हूं, ओरिजिनल डेटा सेल्स है। तो यहां पे क्या है कि क्वांटिटी है बट एमआरपी नहीं है, और एमआरपी के साथ यहाँ प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन नहीं। तो मैं यहाँ पे एमआरपी लाने के लिए मैं यहाँ ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगा, यहाँ टाइप करूंगा एमआरपी, एंटर करूंगा तो यहाँ एमआरपी आ जाएगा। देखिए एमआरपी उठ के कैसे आएगा प्रोडक्ट से, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रिलेटेड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो कि पावर पिवट में होता है, रिलेटेड इक्वल रिलेटेड, और रिलेटेड में मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट की एमआरपी, ऐप से सेलेक्ट किया और एंटर मार दिया, यहां पे आ गया। फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, अमाउंट निकालना है, तो यहां ऐड कॉलम पे जाऊंगा और यहां पे अमाउंट को लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और जैसे एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी यहां भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन यहां पर टैब का नाम लिखना पड़ेगा, हमने बोला क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय और एंटर किया। अब मैंने सब कुछ और भी कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए, इसके बाद फिर वापस पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, वापस हम पिवट टेबल पे आ जाए। न्यू वर्कशीट में हमारा डेटा जीनो से ले सकता हूं, मैंने मान लीजिए सेल्स का मैंने अमाउंट यहां रख दिया, मैं प्रोडक्ट का नेम यहां पर रखा, और फिर मैं कस्टमर का सिटी जो है फिल्टर में रखता हूं और नेम को मैं यहां इस पर रखता हूं। तो आपके सामने तीन अलग अलग टेबल से पिवट टेबल क्रिएट हो। अब पिवट टेबल की टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, हालांकि पिवट टेबल बहुत बड़ी टॉपिक है बट टाइम की कमी है हमारे पास। अब अगला टॉपिक हम चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स और पिवट चार्ट्स दोनों। आप इंसर्ट में जाके डायरेक्ट पिवट पे चार्ट या पिवट चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां से, यहां पिवट एनालाइज में जाइए, यह रहा पिवट चार्ट। अब चार्ट की जरूरत क्यों होती है कि डेटा को ग्राफिकली विजुलाइज करने की, तो मैंने यहां से चार्ट को सेलेक्ट किया। तो मैं डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, मुझे यहां डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा इंसर्ट, यहां में चार्ट, आपके सामने चार्ट। चार्ट के यहां डिजाइन पे आएंगे तो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है जो कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिर मुझे इस पे डेटा चाहिए तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड डेटा लेबल, तो यहां हमारा डेटा लेबल ऐड हो जाएगा, तो पिवट से लिंक हो जाएगा फिर। लेकिन अगर आपको विदाउट पिवट का बनाना है तो आप यहां पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे नेम और यहां और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं। अब इस पे मैं सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं पिवट टेबल पे आता हूं, सॉरी पिवट टेबल में चार्ट्स पे आता हूं, और आपके सामने यहां पे हमारा चार्ट का लिंक दिख रहा है। अब इसको यहां से स्टाइल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चाहिए वैसा इसकी यहाँ पे लेआउट है,
तो क्विक लेआउट में जाके लेआउट चाहिए जो लेआउट चाहिए वो रख लीजिए आप। वैसे मैं लेआउट 5 पर ऊपर इसका डेटा भी इसके साथ आ जाएगा। और चार्ट भी अलग अलग तरह के, ये आपके कॉलम चार्ट थे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम चार्ट के भी इस टाइप डिजाइन है, बाई चार्ट पार चार्ट कर लीजिए, उसका ये आपका लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट एरिया चार्ट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्री मैप चार्ट होता है, एरिया के तरह से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे सब वर्स्टल चार्ट होता है, या यहाँ पे हम पाई चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई ऑफ द पाई, पाई ऑफ द बार, 3D में पाई चाहिए या डोनट चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा टारगेट है, टारगेट में हम अपना हमारा 85 हमारा टारगेट, तो मैं चार्ट में टारगेट ऐड करने के लिए बस यहां से ड्रैग करूंगा तो ऐड हो जाएगा, और फिर मुझे इसको कॉम्बो में कन्वर्ट करना है, जिसपे सिलेक्ट कीजिए राइट का राइट क्लिक और यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहां से आप अपना कॉम्बो सिलेक्ट कर लीजिए, जो कॉम्बो सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि आपको टारगेट को लाइन चार्ट में करना है और ये आपका कॉलम कर्सर चार्ट है, ओके, ये ऊपर आपका लाइन आ जाएगा। लाइन अगर टारगेट अगर आप अलग अलग है, जैसे कि 45 है, 65 है, इस तरह से चेंज भी होगा, इस तरह से चार्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अलग अलग चार्ट अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब अगला टॉपिक जो आज का लास्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग। कि अगर मान लीजिए आपको किसी और से डेटा पैच करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, हम डेटा में जाते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनेट के एक पेज से डेटा लेके आना है, मैं एक इंटरनेट का पेज खोलता हूँ, मान लीजिए मुझे वर्ल्ड मोबाइल सब्सक्राइबर का लिस्ट, मोबाइल मोबाइल ऑपरेटर का लिस्ट चाहिए, तो यहाँ लिखता हूँ वर्ल्ड मोबाइल यूजर लिस्ट बाय कंट्री, और ये हमारा विकिपीडिया का लिस्ट है, इसी का लिखता हूँ। अब मुझे जो एक ये जो कंट्री आपको दिख रही है, ये जो डेटा है, इस डेटा का मुझे अपने एक्सेल शीट पे चाहिए, तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ एक्सेल पे जाऊंगा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल में नहीं, मुझे चाहिए इसमें फ्रॉम बेल, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है आपका फ्रॉम बेल दिख जाए, यहाँ से भी ले सकते हैं फ्रॉम बेल, फ्रॉम बेल मैं यहाँ पे करता हूँ, या फिर आप यहाँ टेक्स्ट फाइल से भी ले सकते हैं, या अलग अलग डेटाबेस से भी ले सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। मैं यहाँ पे URL को पेस्ट करता हूँ एंड ओके, यहाँ Facebook से भी लेके आ सकते हैं सर, यहाँ पे आप देखे होंगे फॉर्म में Facebook भी है, बट आपके पास अपडेटेड वर्जन एक्सेल का होगा 16:19 तभी, अगर नहीं तो नहीं दिखेगा सर, सिर्फ फॉर्म फाइल ही दिखेगा। यहाँ से देखिए इसने अपना टेबल ढूंढा कि इसमें कितने टेबल्स हैं, तो टेबल को 0 है हमारा, हमने सिलेक्ट किया और यहां से हम इसको लोड कर, अब यहाँ पे इंटरनेट से हमारा डेटा यहाँ गया। ऐसे ही अगर आप एक्सेस से चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा डेटा में जाएं और यहाँ फ्रॉम डेटाबेस SQL सर्वर चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, क्लिक करके ला सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विस में फेसबुक से चाहिए या फिर अदर में जैसे कि टेबल रेंज से या वेब से या माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी SQL क्यूरी वगैरह अगर पता है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका यूज मुझे हर तीसरे दिन इसके लिए कोई ना कोई कॉल आ ही जाता है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके लिए एक फोल्डर तैयार करना पड़ेगा।
डेस्कटॉप पे करता हूं, डेस्कटॉप देखिए मेरे पास एक डीटी के फोल्डर में 5-6 फाइलें हैं। मुझे 6 फाइलों का डेटा एक के नीचे कुलेट करना है, तो मैं एक एक करके जो कॉपी पेस्ट करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मैं चाहता हूं कि हाँ एक एक करके कॉपी पेस्ट ना करूं, तो कैसे होगा? तो मैं यहां एक्सेल पे आता हूं, गेट डेटा फ्रॉम फाइल में आपको नीचे फॉर्म फोल्डर दिखेगा। अब इस फॉर्म फोल्डर में मैं यहां ब्राउज पे क्लिक करता हूं, एमएफ पे जाता हूं, डेटा, और डेटा में हमारे पास डीटी है, ओके किया। और जैसे ओके कीजिए, ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सारे फाइलों का लिस्ट दिख जाएगा। आप यहीं पे लोड कर देंगे तो जो डेटा दिख रहा है वही आपका लोड होगा, फाइल के डिटेल्स। देखिए मुझे इसके अंदर का डेटा कंबाइन करना है तो यहाँ पे कंबाइन एंड लोड पे चले जाएंगे। देखिए सबका टेबल सेम होना चाहिए, सबका हेडिंग सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सीट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जस्ट लोड पे क्लिक करें, तो पांचों फाइलों का डेटा, छह फाइल का डेटा एक के नीचे यहां पे क्लीट हो जाएगा। ये देखिए एक के नीचे आपका क्लीट हो जाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर्स हैं, आप ट्राई करके देखिएगा खुद से हमसे। अब कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो कि मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में किसी ने डेट को इस तरह से डाल के दिया हुआ, तो इस डेट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम में इसके लिए ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम जाइए, नेक्स्ट, और यहां पे DMY कर दीजिए एंड फिनिश कर दीजिए, ये आपका डेट में कन्वर्ट। दूसरा मान लीजिए मुझे यहाँ की सिटी का लिस्ट तैयार करना है, तो मैं इसके लिए डेटा वैलिडेशन यूज करूंगा, जी हाँ डेटा वैलिडेशन क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिस्ट में जाऊंगा और यहाँ पे दिल्ली पुणे या कहीं पे टाइप है तो मैं यहां से सिलेक्ट भी कर सकता हूं। लिस्ट तैयार कर दिया एंड ओके कर देता हूं, मुझे इसमें लिस्ट ही एंटर होगी। दूसरी अगर मान लीजिए मैंने कोई लिस्ट डुप्लीकेट बना रखी है, मुझे इसको डिलीट करना है, मतलब मुझे सिंगल चाहिए, जो भी एक नाम रह जाए बाकी डिलीट हो जाए, तो मैं यहीं पे आपका रिमूव डुप्लीकेट आता है उसका इस्तेमाल करूंगा एंड ओके कर दूंगा। जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो आपके यहां से डिलीट हो जाए, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो अभी टाइम मेरे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, तो आप लोगों के पास कोई डाउट्स हैं तो बारी बारी से पूछ सकते हैं। Yes sir, I am Rishabh. I have a question. अगर मेरे पास एक वर्कशीट है और उसमें डिफॉल्ट 3 सीटें खुलती हैं,
1, 2, 3 अगर हम उसको डेट वाइज डाटा बनाते हैं, जैसे डेट फर्स्ट जेन से डाटा बना रहे हैं, फिर दूसरी सीट में सेकंड जेन का डाटा, ऐसे हम 31 जेन तक पूरा डाटा क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद 31 जेन के बाद मुझे एक समराइज डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि एक एक कॉलम को हम सिलेक्ट प्लस करके इक्वल करके प्लस करते हुए जाते हैं, तब वो समराइज डाटा बनता है। क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिससे हम फर्स्ट एक या दो डेट का डाटा बनाए और कोई समराइज में ऐसा फॉर्मेट सेट कर दें ताकि हम सीट ऐड करते जाएं वो ऑटोमेटिक वहां से पिकअप करता रहे? सर इसके लिए नॉर्मल एक्सेल कोई ऐसा चीज नहीं है, ऑप्शन ही मुझे दिख रहा है, बट डीबीए के थ्रू ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर सीट पहले से एडेड है तो किया जा सकता है, लेकिन आप उसे सीट ऐड करके जा रहे हैं जिसका मतलब ये थोड़ा सा ओके। तो इसको हम हाँ इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ओके तो मैनुअल करना पड़ेगा या फिर आप एक फाइल बना लीजिए पहले से, लेकिन उसमें दिक्कत है कि जैसे स्लीप अगले महीने रिलीज होगी आपकी जो एरर हो जाएगा चीज नहीं मिलेगा। हाँ करेक्ट, सीट भी डिलीट होती है, फिर उसमें डेट भी चेंज करनी पड़ती है, मंथ का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मंथ का नाम चेंज। अच्छा कल फॉर्मूले की क्लास है, कल ओके ओके। किसी और क्वेश्चन है? हेलो हेलो हाय सर छाया दिस साइड, एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो हमारी फाइल होती है, जैसे हम कोई फाइल एक्सेल शीट पे हम जस्ट कॉस्टिंग शीट है हमारी, अगर हम उसको दो लोग ओपन कर रहे हैं एक साथ, तो एक रीड ओनली आता है और एक वर्क कर सकता है, क्या कोई ऐसा ट्रिक या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे दोनों एक साथ काम कर सके अलग अलग पीसी पे? कर सकते हैं। कौन सा वर्जन है एक्सेल, कौन सा यूज करते हैं आप? एक्सेल का तो सर हमारा बेसिक ही है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है एक्सेल का, तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। वर्जन का भी मुझे कंफर्म नहीं है सर। ओके तो आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा रिव्यू में, पहले चीज चेक कीजिएगा रिव्यू टैग में, यहाँ पे शेयर वर्कबुक है या नहीं। नहीं है तो आपको क्या करना होगा, एक्सेल ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ कस्टमाइज रिबन में एक ही बार जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ ऑल कमांड में आइएगा तो यहाँ पे शेयर वर्कबुक का एक ऑप्शन आएगा। यस सर, यहाँ शेयर वर्कबुक का होगा, मैं दिखाता हूँ। ये ना शेयर वर्कबुक, अब शेयर वर्कबुक को ऐड करना है तो रिव्यू में ही आप यहाँ इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ ऐड करने की कोशिश कीजिए, ये ऐड नहीं होगा तो आप क्या कीजिए कि यहाँ एक नए ग्रुप पे क्लिक कीजिए और फिर इसको यहाँ से ऐड करें। ऐड करने के बाद फाइल सेव होना चाहिए और फिर इसको आप शेयर पे क्लिक करें। अभी यहाँ पे एक्टिव है क्योंकि फाइल इनएक्टिव है क्योंकि फाइल मेरा सेव नहीं है, अनसेव फाइल। सेव फाइल में जाऊंगा तो मुझे यहाँ रिव्यू में एक्टिव हो गया ना, क्लिक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? यस सर। देखिए शेयर करते समय ध्यान रखिएगा किसी फाइल पे किसी पीसी पे ओपन ना हो। ओके एंड सर अगर हम इसको आप अभी जैसे ऐड करके हम उसको शेयर फाइल करेंगे तो ये क्या दो अलग अलग फाइल सेव होंगी या फिर सेम फाइल ही होगी? सेम फाइल होगा, सेम फाइल होगा, दो बस दो पीसी पे काम कर जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों लोग सेम सीट पे काम ना करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 25 कर दिया और किसी ने आके वापस इसमें 65 कर दिया तो 65 सेव होगा उसका। ओके ठीक है ना? यस सर। लेकिन इसके लिए गूगल सीट इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। सॉरी सर, गूगल सीट ओके ठीक है। और नेक्स्ट किसी और को प्रॉब्लम है? और किसी को प्रॉब्लम है? Thank you.
हेलो संतोष जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है? या सर, मैं ये जानना चाह रहा था, सपोज दैट एक्सेल शीट में कोई वर्ड हमारा स्पेशल, कोई वर्ड हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसमें जैसे उस वो वर्ड हम लिखे तो वो कॉलम रेड, मतलब कुछ भी कलरफुल उसको लाना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया ना सर? जी सर, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया था, तो उसमें नंबर्स के बारे में बताया था, इक्वल के बारे में नहीं? इक्वल टू में आप कुछ भी डाल सकते हैं, इक्वल टू में हमने डाल दिया पूजा। जी सर, यहाँ किसी भी सेल पे पूजा टाइप होगा तो ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा, ठीक है? Okay, लेकिन एग्जैक्ट पूजा होना चाहिए, अगर आपने पूजा सिंक कर दिया तो हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते कि नहीं मैं कोई भी वर्ड किसी के साथ डालू हाईलाइट हो जाए, जो वर्ड किसी के साथ डालू, तो यहाँ इक्वल टू की जगह पे टेक्स्ट दैट कंटेन करना, ठीक है? टेक्स्ट दैट कंटेन में आप पूजा डाल दीजिए, हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू सर। हाय सर, छाया दिस साइड अगेन। सर मेरा एक डाउट है, मुझे आपने ये जो अभी आप इससे पहले आप मुझे समझा, आई मीन सभी को समझा रहे थे, ये पिवट टेबल जो आप समझा रहे थे, ये मुझे एक्चुअली प्रॉपर समझ में नहीं आया कि इसका कंसेप्ट क्या है और किस तरह से इसको हम एड ऑन या फिर इसको करें। पिवट टेबल की बात कर रहे हैं, पावर पिवट की बात कर रहे हैं? सर मैं पिवट टेबल की बात कर रही हूँ। बेसिकली पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को समरी क्रिएट करने, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है सेल्स का डेटा, राइट? मैं यहाँ ये हमारे सेल्स पर्सन है, अब मुझे अभी क्या है कि पूजा ने सेल किया है मुंबई में 16, yes, फिर पूजा ने अगेन सेल किया है नागपुर में 56, तो पूरे पैन इंडिया के हिसाब से पूजा का सेल कितना है? yes. तो ऐसी समरी क्रिएट करने के लिए पिवट टेबल का इस्तेमाल होता है। सर ये आप जो आपके जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो क्या ये रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है जिससे हम इसे रिव्यू करके दोबारा से हम इसको आप रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं? साथ में मेरे यूट्यूब पे 3000 से ऊपर वीडियोज है। ओके, तो आप क्या करें यूट्यूब पे जाके जस्ट आईपीटी इंडिया को सर्च कर लें। आईपीटी इंडिया, ओके सर, इंडिया को सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, एक कीवर्ड फेमस कीवर्ड है। ओके सर, तो मेरे पास 3113 वीडियोज है जो कि एक्सेल वीवी सबसे रिलेटेड है। ओके सर, उसको आप देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। उसके अलावा ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए। यस सर, अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीफोनिक सपोर्ट ले सकते हैं। बेसिकली हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास एक्सपर्ट लेवल की चलती है, जिसका जो कोर्स, जो चीजें मैं अभी समझा रहा हूँ इसको डिटेल में मैं तकरीबन 25 घंटे में समझाता हूँ, तो मैंने अभी 2.5 घंटे में समझाया आपको। yes, इसके लिए 25 घंटे का टाइम लेता हूँ। okay. तो वो लोग ज्वाइन करते हैं जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने ऑफिशियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि मैं 15 साल ऑफिस में भी काम कर चुका हूँ तो मुझे yes, पता है कि आप लोगों के पास रियल प्रॉब्लम होता क्या है। Yes, sir. मैं अपने क्लास को बहुत क्लीन करने की कोशिश की है आज, क्योंकि 25 घंटे के टॉपिक को 2.5 घंटे में कंप्रेस करना समझ सकते हैं बहुत डेफिनेटली। तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं फर्दर कोई प्रॉब्लम हो या फिर एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए, या मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं 3000 से ऊपर वीडियोज है, आप लोग लर्न कर सकते हैं एक्सेल वीवीए और बहुत सारी चीजें। चलिए आगे, और किसी को प्रॉब्लम है? सर इसमें एक चीज और बता दीजिए आपने जो नहीं बताया प्लीज, कि इसमें ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मेट्स में ड्रॉप डाउन लगाने की जरूरत है। देखिए ड्रॉप डाउन वाले जो फीचर्स है आखिर मैं कल समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी जो मैंने आपको एक बताया है सिटी वाला आपने शायद देखा हो। हाँ जी, तो जैसे की डेटा वैलिडेशन से आप लगा सकते हैं, कोई भी लिस्ट लगाना चाहे तो एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ डेटा वैलिडेशन होता है, इसमें जाए एनी वैल्यू को चेंज करके लिस्ट पे आ जाए और अपना फील डाल दे, पूजा सिटी है ना, लिस्ट डाल
और यहां से आप इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको लिस्ट बॉक्स बोलते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं, लेकिन जो लिस्ट बॉक्स है वो आपका यहां मिलता है, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे आपके डायनेमिक चार्ट के ऑप्शंस में। इसके लिए आपको ऑफसेट का फॉर्मूला सीखना होगा। अगर सिटी में जाके एक सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये कीजिए ना, इस पे डॉट डॉट कीजिए और सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए माउस से। क्या आप ऑल्ट के साथ आप डाउन एरो प्रेस करेंगे, वो भी कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस किया और डाउन एरो आ गया लिस्ट, या फिर जैसे ही इस पे कर्सर रखेंगे साइड में दिख जाएगा आपको, क्लिक कर दें। ठीक है, थैंक यू। ओके, अब टॉपिक के बाद अरविंद राय जी को बोला मैं आपकी सर? नहीं, नो। ओके, ऐसे और भी कोई डाउट होंगे तो पहले आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद डिस्कस कीजिएगा। वीडियो अभी क्या तुरंत वीडियो मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस क्लास को लाइव कर दिया है मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लेता है, ढाई घंटे का है तो ये 3-4 घंटे कन्वर्ट होने में ले लेता, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। आप आईपीटी इंडिया सर्च कीजिएगा, वहां पे मेरे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं कन्वर्ट करके फिर इसको आप लोगों को भेज देता हूँ। और कल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि बार बार रीज्वाइन आप लोग कर रहे थे, तो प्लीज मत कीजिएगा क्लास में, क्योंकि दिक्कत होती है बार बार यहाँ पे अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, उससे पहले मुझे अलाउ करना पड़ता है। और दूसरी चीज, टाइम पे ज्वाइन कर, देखिए अभी एक हंस कॉल जी ज्वाइन किए हैं, अब देखिए अभी इनको मैं एडमिट कर लेंगे। तो कल मिलते हैं 2 बजे। ओके सर, ओके बाय। Okay, bye, sir. Bye. Thanks. Bye. Okay.